بسم الله الرحمن الرحيم إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ وإلى الله ترجع الأمور يا فاذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। माहे करीम की इस खसूसी स्टार ट्रांसमिशन में आप सबको खुश आमदीद। मेरी दुआ है कि ये रमज़ान मुबारक अपनी तमाम तर खूबसूरतियों के साथ आपके रूहानी मनाजर में इजाफा करे। मैं हूँ अरीश मयुद्दीन और मेरे साथ मौजूद हैं नजम साकिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि आज 17 रमज़ानुल मुबारक है और अब तक के तमाम ही आलम इस्लाम के रोज़े बहुत ही बख़ैर आफ़ियत गुजर रहे हैं और ये दुआ है कि अल्लाह पाक इसी तरीके से हमें तौफीक दे कि हम आखिरी रमज़ान तक इसी तरीके से सेहत याब रहें और इसी तरीके से रमज़ान की रहमतें समेटते रहें। क्योंकि बेशक खुशकिस्मत हैं वो लोग जिन्होंने इस रमज़ान में अल्लाह पाक को राज़ी कर लिया और अल्लाह की रज़ा और खुशनूदी से अपना हर काम मुकम्मल किया। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए कि अपने कीमती लम्हात और इबादत और रियाजत में मसरूफ रहें। बिल्कुल, इसी के साथ बताती चलूँ कि 17वीं रमज़ान मुबारक एक और हवाले से भी बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस दिन उम्र मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का वसाल हुआ था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में मुख्तसर लेकिन जामिया तारीफ कराती चलूँ कि वो यानी कि आप रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा मोहतरमा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही करीबी सहाबी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा के जो थे उनकी दुख्तर उनकी लख्त जिगर नूर नज़र थी। आप रज़ियल्लाहु अन्हा का वसाल 17वें रमज़ान को हुआ और उनको उनकी तदफीन हुई जन्नतुल बकी में। जी, और अम्मा आयशा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैंने अपने बचपन में आंख खोली तो घर में ही इस्लाम पाया। तो पहली वो भी शख्सियत थी दौरे अव्वलीन की जिन्होंने बचपन से इस्लाम को लेकर चली और बचपन से इस्लाम कबूल किया। लाखों करोड़ों सलाम उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा पर। और अरीज ने जिक्र किया कि 17 रमज़ान मुबारक इस हवाले से अहम है, लेकिन एक और एतबार से नहायत ही अहम है। रमज़ानुल मुबारक में जिस तरीके से हम अभी तक करते आ रहे हैं एपिसोड्स, आप लोगों ने देखा कि हज़रत खदीजतुल कुबरा का विसाल हुआ, फिर हमने कल परसों एपिसोड की हज़रत इमाम हसन मुज्तबा उनके ऊपर और उनकी विलादत का दिन था। तो आज जिस तरीके से हज़रत आयशा के विसाल का दिन है तो इसी तरीके से आज यौमुल फुरकान भी है। 2 हिजरी 17 रमज़ानुल मुबारक इस्लाम का पहला मार्का, वो मार्का जिसमें हक और बातिल आमने सामने आया, वो मार्का जिसने ये फैसला कर दिया कि कौन हक पर है और कौन बातिल है। इसीलिए इस दिन को यौमुल फुरकान कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये महीना भी फुरकान का है। कुरान मजीद फुरकान हमीद भी इसी माह में नाजिल किया गया। इसी हवाले से कुछ अशार हैं जो मैं कहना चाहूँगा कि फिजाए बद्र को एक आप बीती याद है अब तक, फिजाए बद्र को एक आप बीती याद है अब तक, ये वादी नारा तौहीद से आबाद है अब तक, आज भी इस मिट्टी के जर्रे मुस्कुराते हैं। वो मिट्टी जिस पर हक और बातिल की पहली जंग हुई, जिस पर मौला अली उतरे और जिस पर तमाम सहाबा ने पहला मार्का लड़ा, कि वो आज भी उस मिट्टी के जर्रे मुस्कुराते हैं, ज़बाने हाल से माजी के अफसाने सुनाते हैं। पलट कर उस जगह शैतान आया नहीं अब तक, पलट कर उस जगह शैतान आया नहीं अब तक, फरिश्तों की ज़ियारत गाह है ये सफरे ज़मीं अब तक। जो देखा इनकी आंखों ने, जो देखा उनकी आंखों ने, वो कब अफलाक ने देखा, वाह वाह वाह, हक को बातिल का पहला मार्का उस खाक ने देखा। मेरे पेशे नज़र कोई कहानी है न किस्सा है, पुरानी बयान तारीख ज़री हिस्सा है। और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं गुफ्तगू की जानिब। और पहले ग़ज़वा बदर, चूंकि इस्लाम का भी पहला ये मार्का था और इस्लाम का यहाँ से मज़ीद यकीन पुख्ता हो गया, मुझे वो वक्त याद है, गुफ्तगू का आगाज़ करने लगेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुफ्ती हज़रात
और डॉक्टर साहब और मैम तमाम ही रहनुमाई फरमाएंगे हमारी बेहतर अंदाज में। लेकिन जो मैंने पढ़ा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे हैं और दुआ में क्या कह रहे हैं रीच के या अल्लाह ये कुल 313 लोग आज दिन तक की मेरी जमा पूंजी है जो इस्लाम की खातिर मैंने जो कुछ किया। मैं ये नहीं चाहता कि तू इनको बचा या इससे आगे बढ़ा, लेकिन अगर ये भी चले गए तो तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा जबी मेरी हो संगे दे तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना, बरोज़े हश्र तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। जबी में दिखा दो अपना प्यारा चेहरा प्यारा या रसूल अल्लाह, दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह। खुदा का जीत जी कर लूं नजारा या रसूल अल्लाह, खुदा का जीत जी कर लूं नजारा या रसूल अल्लाह। जबी में तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। पैनल का तारुफ करवाएं अरीज और फिर हम लोग गुफ्तगू की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती एहसानुल हक हज़ारवी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कारी ज़ियाउर रहमान साहब, मेरी बाएं जानिब मौजूद हैं मैम राज़िया नवी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, और हमारे स्कॉलर मतीउर रहमान, शुक्रिया,
आज फिर दोनों हजरात हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर साहब आप अपना कीमती वक्त निकाल रहे हैं, बहुत शुक्रिया। मुझे पता है आपकी मसरूफियात हैं। डॉक्टर साहब यकीनी तौर पर फैसल मस्जिद इस्लामाबाद सभी वाकिफ़ हैं, ख़तीब व इमाम मस्जिद फैसल मस्जिद और इसके अलावा फैसल मस्जिद इस्लामिक सेंटर के इंचार्ज हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है मुफ्ती साहब कि मौलाना साहब ग़ज़वा बदर का मुख्तसर पेश मंज़र पेश करें ताकि हमारे ईमान में ताज़गी का बायस बने। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। ग़ज़वा बदर इस्लाम का पहला मारका है जिससे हक और बातिल का फ़र्क वाज़ेह हुआ और अल्लाह तबरक व तआला ने इस पहले मारका के ज़रिए से एक छोटी सी जमात को बहुत बड़ी जमात और बहुत बड़े साजो सामान वाले लोगों के ऊपर गलबा नसीब फरमा कर हक को गलबा नसीब फरमाया। यही वजह है इस योम को योमुल फरकान कहा जाता है कि अल्लाह तबरक व तआला ने इसके ज़रिए हक और बातिल के फ़र्क को वाज़ेह कर दिया और हक को अल्लाह तबरक व तआला ने इस दिन में तक़वियत नसीब फरमा दी। इस गज़वा को गज़वा बदर कुबरा भी कहा जाता है। आपको इसके पस मंज़र में अगर आप जाएं तो दर हकीकत इब्तदा में ये जो मामला शुरू हुआ था ये एक जंग के इरादे से नहीं था बल्कि ये एक तजारती काफला के साथ एक मुठभेड़ होने जा रही थी, लेकिन वो एक बहुत बड़े मारका में बदल गया और अल्लाह तबरक व ताला की मंशा यही थी कि अल्लाह तबरक व ताला मुसलमान जिस काम को अपने लिए आसान समझ रहे थे, सहूलत वाला समझ रहे थे, उसके बजाय एक मुश्किल इम्तिहान में ढालकर बिल्कुल बल्कि हजरत माजरत गदा कलामी के लिए मैं चाहूँगा कि हम लोग इससे पहले ही आते हैं, ठीक है, 17 रमज़ान से पहले ही हम लोग चलते हैं जब अबू सुफियान तमाम जो है वो ज़ेवरात और वो तमाम चीज़ें लेकर निकले हैं शाम जी। बिल्कुल, सारा मकसद यही था कि हम अपनी कुव्वत को मुजतमे करें, शाम से तजारती सामान आएगा और मुसलमानों के खिलाफ उसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मुसलमानों की ये हिकमत थी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हिकमत थी, अल्लाह तबरक व तआला ने आपको जो है वो बातनी उलूम और दुनिया के एतबार से भी अल्लाह ने आपको हर तरह की उम्दा हिकमत नसीब फरमाई थी। तो बतौर हिकमत के ये एक इकदामी मामला था कि उनको कुव्वत मुजतमे करने से रोका जाए और इस्लाम की ये एक तालीम है कि अपने दुश्मन से इंसान गाफिल ना रहे बल्कि इंसान को उसके बारे में मुस्तैद रहना चाहिए, चुकन्ना रहना चाहिए और अपनी कुव्वत को मुजतमे करते रहना चाहिए। वह आयदु लहु मस्ततातु मिन कुव्वा, इसीलिए ये हुक्म है। तो इसलिए उनको उनके मकसद में कामयाब होने से रोकने के लिए ये इकदाम था और बाज़ार एक मुश्किल मामला नहीं था जहाँ तक बात चल रही थी, बल्कि ये एक आसान सा तजारती काफिला था जिसको काबू किया जा सकता था और उनके सारे अजायम को खाक में आसानी से मिलाया जा सकता था, लेकिन अल्लाह तबरक व ताला के पेश नज़र यहाँ कुछ और था। अल्लाह तबरक व ताला यहाँ हक को बावजूद कमज़ोर होने के गालिब करके दिखाना चाह रहे थे, अल्लाह तबरक व ताला यहाँ से एक इनकलाब बरपा करना चाह रहे थे, इसलिए अल्लाह तबरक व ताला ने इसको एक जंग की शक्ल में तब्दील फरमा दिया। और जैसे आपने कहा कि 313 की एक महदूद जमात और जिसमें चंद घोड़े हैं, चंद तलवारें हैं, कहा जाता है कि एक घोड़ा कहीं रवायत दो घोड़ों का जिक्र मौजूद है, दो घोड़े, आठ ऊंट हैं और चंद तलवारें हैं और डंडों लाठियों से पत्थरों से लड़ाई हो रही है, इंतहाई महदूद साजो सामान है और दूसरी तरफ तकरीबन 3 गुना बड़ा लश्कर है और हर तरह के उनके पास असबाब हैं, लेकिन अल्लाह तबरक व तआला को मंजूर ये था कि अल्लाह तआला ने इस छोटी जमात के हाथ से इनको जलील करना था और अल्लाह तबरक व ताला ने अपनी मदद दिखानी थी और इस चीज़ को भी अल्लाह ताला ने साबित करना था और बिलखसूस आज हम मुसलमानों के लिए और ताक़यामत आने वाले मुसलमानों के लिए अल्लाह तबरक व ताला ने इस चीज़ को वाज़े फरमाना था कि गलबा जो है वो अल्लाह की मदद के साथ होता है, गलबा जो है वो ज़ाहरी असबाब की कसरत की बुनियाद पर, ज़ाहरी क़ुव्वत की बुनियाद पर नहीं होता, चुनाचे यहाँ पर भी अल्लाह तबरक व ताला ने यही फरमाया और रसूल अल्लाह सल्लम की दुआ का जैसे आपने जिक्र किया कि रसूल अल्लाह सल्लम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुआएं कर रहे हैं और मुनाजात कर रहे हैं कि या अल्लाह ये छोटी सी जमात है, अगर इसको तूने हलाक कर दिया तो तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा, और अल्लाह ताला ने मदद का वादा भी फरमाया। रसूल अल्लाह सल्लम बार बार आसमान की तरफ देख रहे हैं, अल्लाह ताला से इल्तिजा फरमा रहे हैं, या रसूल अपने मदद का वादा, या अल्लाह अपनी मदद का वादा पूरा फरमाएँ, मदद करें, अल्लाह ताला की मदद आती है और कुरान करीम में अल्लाह ताला इसकी मंज़रकशी फरमाते हैं, इस्तस्तगीसुन रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन,
وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو استغاثہ کر رہے تھے اللہ نے تمہاری اس پکار کو سن لیا اور اللہ نے تمہاری مدد شروع کی۔ اور یہ مدد قرآن کریم میں تین جگہ جو ہے ذکر آتا ہے، ایک جگہ 1000 فرشتوں کا، ایک جگہ 3 کا، ایک جگہ 5 کا۔ تو ایک سے ابتدا ہوتی ہے اور جو ہے یکے بعد دیگرے یہ فرشتے اترتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل تو مدد اللہ نے کرنی تھی، فرشتوں کو ظاہری جو ہے تالیف قلب کے لیے، مسلمانوں کے اطمینان کے لیے اللہ نے بھیجا۔ اس لیے فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ، تاکہ ایک اطمینان ہو جائے کہ اب وہ فرشتے نظر آ رہے ہیں، بھائی ہم تھوڑے نہیں، ہم تو ان سے بھی زیادہ ہیں۔ تو مسلمانوں کو جو ہے اطمینان ہوا، دشمن پہ روب اس کی وجہ سے پڑا اور ان کے پاؤں اکھڑنا شروع ہو گئے۔ تو اللہ نے اس کو خوشخبری کے طور پر اور مسلمانوں کے اطمینان کے طور پر اللہ نے یہ معاملہ فرمایا، اور فرمایا وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اصل مدد وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ چاہتے تو ایک فرشتے کے ذریعے ہم سب کا کام تمام فرما دیتے، بے شک بے شک، اور کچھ نظر بھی نہ آتا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں یہیں سے چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب یہاں سے کہانی کو آگے لے کر بڑھیں۔ جس طریقے سے تجارتی قافلے کا ذکر کیا، تو ابو سفیان واپس آ رہے تھے اور انہوں نے پیغام بھی بھجوایا کہ مکہ، اور جہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ ہوا کچھ یوں، وہ واپس آ رہے تھے اور ان کو اونٹنی کی جو ہے وہ گھٹلی ان کو ایک نظر آئی، اور انہوں نے جب وہ گھٹلی دیکھی تو کہا کہ یثرب کی کھجور کی گھٹلی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پر آس پاس کدھر محمد عربی کا قافلہ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو پیغام بھجوایا گیا کہ مکہ جاؤ اور ان کو کہو کہ میری مدد کے لیے آئیں، میں مشکل میں ہوں۔ اور پھر واپس یہ پیغام بھجوا دیا گیا کہ مکہ والو، اب میں ٹھیک ہوں اور میں پہنچنے والا ہوں واپس مکہ، لیکن ابو جہل نے بولا کہ ہم لوگ چلتے ہیں اور وہاں پر جا کے لونڈیاں نچواتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جشن کرتے ہیں۔ ذرا یہاں سے آگے کہانی۔ جی جی، بس وہی، جب وہ قافلے کا انہیں خطرہ لاحق ہوا تو انہوں نے اس کے لیے وہ پورا اپنی پھر تیاری کی، جس طریقے سے ابھی کہ ابو سفیان نے وہاں پیغام بھجوایا، اور وہاں مکہ مکرمہ میں پھر جو ہی تیاریاں شروع ہوئیں تو پھر یہاں مسلمانوں کے لیے یہ تھا کہ یا تو وہ اس قافلے کو حاصل کر لیں، یا جو کفار اپنی مکمل تیاری کر کے آ رہے ہیں کفار، تو ان کے ساتھ باقاعدہ محاذرائی ہو اور غزوہ بپا ہو، اور یہ ان دونوں میں سے پھر دوسری چیز اللہ جل شانہ نے پسند کی مسلمانوں کے لیے۔ تو اس میں یہی کہ مسلمانوں کی آزمائش بھی تھی اور ایک رہتی دنیا تک کے لیے ایک پیغام بھی تھا کہ اللہ جل شانہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا چاہتے تھے، اور ایک قافلے کو محض اگر پکڑ لیا جاتا تو اس سے ہو سکتا ہے کہ بعد میں آنے والی دنیا تک جو پیغام پہنچتے، آج پروپیگنڈے کا اور سازشوں کا دور ہے اور اسلام کے خلاف جس طرح کی سازشیں کی جاتی ہیں تو اس کو پتہ نہیں کیا رنگ پہنایا جاتا، اور اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے اس میں۔ پھر جو جہاد ہے، خاص طور پر جہاد، تو جہاد میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے، اور اس کا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سبب بیان کیا ہے، خود اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الفلال، کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو، مختلف افراد کو یا مختلف گروہوں کو آپس میں اللہ تعالیٰ ان کے درمیان یہ ٹکراؤ پیدا کر کے حق اور باطل کی پہچان نہ کراتے اور حق کو غلبہ نہ دیتے تو دنیا کے اندر فساد ہی فساد برپا ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو حق پر ہوتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اٹھاتے ہیں، نکالتے ہیں، ان کی اپنی بھی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ حق پر ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو اس کے بعد پھر وہ باقاعدہ مارکہ بپا ہوا، جس کی تفصیلات انشاءاللہ العزیز ہر طرف ابھی پڑھی بھی جائیں گی، سنی بھی جائیں گی اور بیان بھی ہوں گی، اور تقریباً ہر مسلمان ان سے واقف بھی ہے۔ البتہ اس کے جو اسباق ہیں ان کے اندر ہمیں ایک چیز جو بڑی واضح نظر آتی ہے، اور وہ آج ہمارے لیے بھی درس ہے، کہ وہ جو 313 ہستیاں تھیں، یعنی جو پہلے مکہ مکرمہ میں تھے، مکہ مکرمہ سے وہ بالکل بے گھر ہو کے، بے وطن ہو کے یہاں مدینہ طیبہ میں پہنچے تھے، اور ابھی یہاں آ کے اس طریقے سے سٹیبل بھی نہیں ہوئے تھے، تو انہیں ایک بڑے مارکے کے لیے اللہ جل شانہ نے تیار کیا۔ اب یہاں ان کا مفاد کیا تھا، ان ہستیوں کا، یعنی وہ جو 313 تھے، مفاد ان کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا پیغام، اور وہ دین جو آج ہمارے پاس ہے اور جس کی بنا پر یہ پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے مسلمان اپنے آپ کو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور آپ کے نام لیوا اور اللہ جل شانہ کے بندے کہلواتے ہیں۔ تو اس گویا کہ جو پیغام تھا، اس پیغام کے لیے اور اس دعوت کے لیے خالص لوگ کون ہیں، ان خالص لوگوں کی چھانٹی کرنی تھی، ان خالص لوگوں کو، تو وہ 313 تھے۔
कि अब वो चाहते तो गोशाए अफियत उनके लिए ये था कि वो वापस मक्के चले जाते, बल्कि वहां से आते ही ना रसूलुल्लाह ने पूछा कि चाहते हो कि मदीना के अंदर हम लोग करें या मदीना से बाहर निकल के हम लोग। वहाँ सहाबा के उस मौका पर बड़े ईमान अफरोज़ और बड़े जुरतमंदाना उस वक्त उनके जवाबात थे, उनमें से गालबन सैयदना मिकदाद बिन असवद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, उन्होंने कहा कि हम जो है वो उनके तरह मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह नहीं है जी, कि जो कि आप जाएं आपका खुदा और आप जाने फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना या मूसा, आप और हारून जाएं अपने रब के साथ मिलके तजहाद करें, हम तो यहाँ बैठेंगे, हम तो उस वक्त आएंगे जब इलाका फतह हो जाएगा। तो यहाँ ईमान की आजमाइश थी, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस दुनिया में इस दीन को क़यामत तक रहना था। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद तो पैगम्बर आ रहे थे, दीगर अम्बिया अलैहिस्सलाम आ रहे थे, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक खालस ऐसी मुखलिस जमात कि जो जिस पर पूरे तरीके से पूरा दीन जिसके जिनकी इस शख्सियत पर वो पूरा दीन जिनके अंदर मौजूद हो, उनकी ज़िंदगियां उसके मुताबिक हों और वो हर तरह की कुर्बानी उसके लिए देना वो जानते हों, तो उसी से फिर ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह ये क़यामत तक जारी रहेगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अपनी गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए माहे करीम इफ्तार ट्रांसमिशन। माहे करीम इफ्तार ट्रांसमिशन में आप सबको खुश आमदीद, मैं हूँ अरीश महीउद्दीन और मेरे साथ मौजूद हैं नजम साकिब। हम बढ़ते हैं अपने सवालात का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहाँ से रुका था। मैम, आपसे मेरा ये सवाल है कि गज़वा बदर में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन हिकमत अमली का मुज़ाहरा हुआ, उन्होंने देखा हमें बहुत कुछ सिखाया, हम उन वाक़ियात से बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन आजकल के ज़माने में हिकमत अमली कहीं खो के रह गई है, आजकल अजीब बेचैनी है, उकताहट है और इस सब की वजह से ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती जा रही है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबी व बारिक वसल्लम। बहुत शुक्रिया रीज आपके इस क्वेश्चन के लिए। अगर हम स्पेसिफिकली ग़ज़वाए बदर की बात करें तो हमें ये बात जहन में रखनी पड़ेगी कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताक़यामत आने वाले तमाम इंसानों के लिए एक बेहतरीन नमूना करार दिया है, जैसे कुरान मजीद में भी इरशाद होता है, लकद काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अब जब हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वाए हसना की बात करते हैं ना, तो उससे मुराद सिर्फ कोई नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात नहीं है, सिर्फ आपके अखलाक आलिया नहीं हैं, आपके औसाफ़ मुबारक नहीं हैं, बल्कि दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ पर हमें एक नमूना अमल की ज़रूरत है वहाँ पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक हमें एक मॉडल और एक नमूना फ़राहम करती है, चाहे वो मुआशियात का मैदान हो, इक्तसादियात का मैदान हो, चाहे वो सियासियात का मैदान हो, चाहे वो आपके बैनुल अक्वामी ताल्लुकात आमा इंटरनेशनल रिलेशंस की बात हो, चाहे वो आपके बिज़नेस से रिलेटेड तजारती अमूर हैं उनके मामलात हों, चाहे आपके रियासती मामलात हों, और चाहे आपके जो दिफाई मामलात हैं उनमें हर एक में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। और उसकी अगर हम मिसाल ग़ज़वा बदर को बनाकर पेश करें तो ये यकीनन जो है वो हमारे सामने सारी चीज़ें और आप सल्लम के औसाफ़ आलिया जो हैं वो खुलकर सामने आ जाएंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने सिपा सालारी के ऐसे जौहर, ऐसी खूबियाँ और ऐसे औसाफ़ अता फरमाए कि एक कलील तादाद अफराद की जो थी उसके साथ और फिर कलील सामान के साथ और बेसरो सामानी के आलम में वो जो कुछ हो रहा है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मार्का फतह करके दिखाया। अगर एक लम्हे के लिए इस चीज़ को साइड पे रख देना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे और वो तो बिल्कुल हैं, खातमुन नबीयीन हैं, सिर्फ अगर इस लिहाज से सोचें कि अल्लाह पाक ने आपको किस कदर आला रुतबा, आला औसाफ अता फरमाए थे कि आपने अपने उन औसाफ की बुनियाद पर इस मार्के को जो है वो फतह किया था। यहाँ पर आप देखें कि जब मक्का मदीना मुनव्वरा से निकलते हैं इस मार्के के लिए, सबसे पहले मुशावरत हो रही है, सबसे पहले एतमाद में लिया जा रहा है, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत तो ये है कि हुक्म फरमा देते तो हो जाता, इससे मैम कोई इनकार ना हमारी करता। उम्मत को तलकीन करने की जरूरत है कि आपसे छोटा ही भले क्यों ना हो लेकिन मशवरा करना बहुत जरूरी है। इसके बावजूद कि आपको पता है कि मेरा हर सहाबी मुझ पर अपनी जान लुटाने के लिए तैयार बैठा है,
वो तो मेरे अबरू के इशारे को देखेगा और उठ के चल पड़ेगा, जान भी कुर्बान कर देगा। मगर उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस मुशावरत रखते हैं, सबसे मशवरा किया जाता है और उसके मुताबिक आगे जो है वो काम को बढ़ाते हैं। फिर जब मदीना मुनव्वरा से निकलते हैं और मक्का की तरफ यानी ग़ज़वा बदर के मैदान की तरफ रवाना होते हैं, तो आप देखिए पहले से ये चीज़ डिसाइड हो जाती है कि अब इतने तो ऊँट भी नहीं थे, इतने घोड़े भी नहीं थे कि हर बंदा उसके ऊपर सवार होता और वहाँ तक पहुँचता। तो अपनी ज़ात समेत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक के ऊपर ये लाजिम करार दिया कि एक वक्त में अगर एक बंदा बैठेगा तो दूसरा चलेगा, फिर जो चलने वाला है वो बैठेगा और फिर चलेगा। और ये बात नहीं थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीडर थे, कायद थे, तो आपने अपनी ज़ात को उसमें से एक्सक्लूड किया हो कि नहीं मैं तो लीडर हूँ इसलिए मैंने ये नहीं करना। नहीं, सबसे पहले अपनी ज़ात के ज़रिए पूरी उम्मत को पैगाम दिया कि जब कोई कायद बनता है, लीडर बनता है, तो फिर उसके ऊपर ज़्यादा ये बात लाजिम आ जाती है कि वो अपने अमल के ज़रिए से उस चीज़ को साबित करके दिखाए। फिर जब वहाँ पर बदर के मैदान में पहुँचते हैं तो रेत वाली ज़मीन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाई। रात को जब बारिश हुई तो दुश्मन क्योंकि दूसरी तरफ था और उनको ये लग रहा था कि हम फ़ायदे में हैं, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली भी और मैं समझती हूँ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह नबूवत जो मुस्तकबिल को देख रही थी कि रात को जब बारिश होती है तो वो जो रेत वाली ज़मीन थी वो पुख्ता हो जाती है, रेत जम जाती है, जबकि जो मिट्टी वाली ज़मीन थी वो कीचड़ में तब्दील हो जाती है और अगले दिन दुश्मन को जो है वो फिर मुश्किल पेश आती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ पर जाना, और क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों समेत पहले पहुँच गए थे वहाँ पर, तो आपने जो पानी था वहाँ, जो पानी का कुआं था, उसको भी अपने ज़ेरे कंट्रोल ले लिया, तो वो भी उस तरह से मसला नहीं हुआ। फिर आगे चलकर आप देखें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिकमत अमली थी कि रात के वक्त में दुश्मन का लश्कर नाच गाने में मसरूफ़ है, शराब पीने में मसरूफ़ है, वो इस यानी गरूर और तकब्बर में मुब्तला हैं कि इनकी तादाद क्या है, इनके पास साजो सामान कितना है, तो हम तो जीते हुए लोग हैं, हमने सुबह जीत जाना है, वो इसी फ़ख्र के साथ सारी रात गुजारते हैं। दूसरी तरफ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपने सहाबा को आप जाकर आराम कीजिए और सो जाइए। सारे सहाबा के ऊपर अल्लाह की तरफ से भी एक नींद गालिब कर दी जाती है ताकि ये आराम करें और सुबह फ्रेश होकर लड़ें, जबकि ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाए नमाज पर तशरीफ़ रखते हैं और अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं कि मौला ये मुट्ठी भर लोग आज तेरे नाम जो तेरे नाम लेवा हैं आज निकले हैं, अगर ये हार गए, अगर ये जीत ना सके तो मौला फिर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। बिल्कुल मैम, तो ये वो चंद एक मैंने मिसालें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत बहुत सारे असबाक हैं जो हमें हासिल होते हैं क्योंकि बेहतरीन मिसाल हमारे सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। मतीबा कहते हैं कि हम तो सफ़ों से इस तरफ लड़ रहे थे लेकिन जो शख्सियत उनकी सफ़ों के दरमियान में लड़ रही थी वो मोहम्मद अरबी थे। खूबसूरत सवाल नजम, ये पूरा वाक़या ही मुख्तलिफ है चूँकि जिस तरह किबला मुफ्ती साहब ने और डॉक्टर साहब ने फरमाया, राजिया मैम ने फरमाया, हर चीज़ मुख्तलिफ थी। ये पहला जैश था दुनिया में अफवाज इलाही का, पहला लश्कर अल्लाह की फ़ौज का, ये पहला जैश था दुनिया में अफवाज इलाही का जिसे ऐलान करना था खुदा की बादशाही का, इसीलिए हमारे नबी सजदे में रहे कि अगर ये मिट गए तो फिर क्या हमला। तो ये पहला जैश था दुनिया में अफवाज इलाही का जिसे ऐलान करना था खुदा की बादशाही का, जिसे ऐलान करना था खुदा की बादशाही का, ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था निराला था, ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था निराला था कि इस लश्कर का अफसर एक काली कमली वाला था। वा, 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 वा। पहले सिपा सलार इस्लाम के, अल्लाह के महबूब। अच्छा थोड़ा सा और मुख्तलिफ मैं आपको इसमें लेके जाऊँ, जो मुझे इसमें वाकया अच्छा लगा मतलब अपीलिंग लगा ना जब, वो ये था कि आका करीम जब सफ़े तरतीब दे रहे थे तो एक साहबी थे गज़िया, उनका नाम था गज़िया रज़ी अल्लाह ताला, तो उनका पेट थोड़ा सा निकला हुआ था, फरबा थे, तो आपने उंगली मतलब से कहा कि पीछे हो जाओ, तो वो साहबी कहने लगे अल्लाह के रसूल आपने मुझे तकलीफ दी, आपको याद आ गया अल्लाह के रसूल आपने मुझे तकलीफ दी, तो अल्लाह के रसूल फरमाने लगे अच्छा तुम बदला ले लो। फरमाया अल्लाह के रसूल आपने ज़िरा पहनी हुई है, मैंने ज़िरा नहीं पहनी हुई, कोई चीज़ आपने ज़िरा हटाई, पेट नंगा किया और वो साहबी उससे लिपट गया।
कहने लगे यार रसूल अल्लाह मेरी बड़ी सआदत है, मुझे लगता है मैं शहीद हो जाऊँगा, इसलिए मैंने सोचा आपके जिसमें अतहर से लिपट जाऊँ, अपनी जन्नत पक्की कर लूँ। और वो सहाबी वाकई उस मैदान में शहीद हो गए। अच्छा एक और मैं इस पर बताऊँगा आपको कि ये पहला मार्का था हक व बातिल का जिसमें फरिश्ते लड़ने के लिए उतरे थे। इससे पहले अंबिया पे फरिश्ते उतरते थे लेकिन वो बरकत के लिए और मखसूस लिबास था उनका, लेकिन ये फरिश्ते लड़ने के लिए उतरे थे उसकी। और हमने पढ़ा अहादीस में कि मतलब वो सहाबी रसूल अभी तलवार उठाई उसकी गर्दन जाके उधर गिर गई। तो ये पहला मार्का था जिसमें अल्लाह के फरिश्ते, बल्कि एक भगोला सा उठता था तो हजरत अली फरमाते थे अल्लाह के रसूल ये क्या है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिब्रील फरिश्तों के साथ हाजिर हो गया, फिर हमारी मदद झोंका चलता था, फिर हवा का झोंका तेज चलता था, फिर हजरत अली पूछते थे अल्लाह के रसूल ये क्या, फरमाया मिकाइल 500 फरिश्तों के साथ आपकी मदद के लिए उतरे। अच्छा इसमें अब मुख्तलिफ और जो चीज़ें मुख्तलिफ होती रहीं, उधर से जब ये लड़ाई शुरू हुई है ये मार्का शुरू हुआ तो उतबा शैबा मुफ्तिया मुफ्ती बताएंगे, उतबा शैबा और वलीद वलीद बिन शैबा वो आए कुफार की तरफ से। इधर से हज़रत औफ़ हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा और एक सहाबी रसूल और, तो उसने शैबा ने बड़े हकारत से कहा तुम लोग कौन हमारे मुकाबले के भेजो, हमारे मुकाबले के भेजो मोहम्मद, हाँ। हमारे मुकाबले के भेजो, हाँ। तो फिर अल्लाह के रसूल ने अहले बैत को मौका दिया, बिल्कुल हमज़ा आए, अंसारी थे, हाँ। और ये देखिए महाजिर, अच्छा अल्लाह झंडे बकायदा थमाए, और अच्छा उधर से हजरत हमजा को बुलाया, और फिर साथ हजरत अली को बुलाया, और हजरत अली और हजरत हमजा तो शाह सवार थे, एक ही वार में गर्दन उड़ा दी। हजरत उबैद जो थे वो जख्मी हो गए, आपकी टांग पे जख्म लगा, वो उठा के लाए और फिर वो अल्लाह के रसूल के कदमों में पहुंचे और शहीद हुए अल्लाह के रसूल। यानी ये पूरा मार्का ऐसा था। और जो मुफ्ती साहब किबला ने जो बात मतलब अपनी पहली गुफ्तगू में फरमाई कि ये पूरा जो लश्कर था, अल्लाह के रसूल ने दो दफ़ा पूछी ये बात क्या इरादा है, तो महाजरीन कहने लगे अल्लाह के रसूल जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया कि हम बनी इसराइल की तरह आपको नहीं कहेंगे कि आप जाके लड़े, हम तो बैठे हुए हैं, पता हो गए तो हम आ जाएंगे। बेशक बेशक। तो अल्लाह के रसूल ने फिर पूछा क्या कहते हो, तो अंसार में से वो जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया साहब ये हमसे कि अल्लाह के रसूल आप हमसे पूछ रहे हैं, आप हमसे पूछना चाह रहे हैं कि हमने तो मतलब आपके पीछे नमाजें पढ़ी हैं, आप पे ईमान लेके आए हैं, तो हमने आपके साथ सफ़र किए हैं, आपके साथ खाना खाया, तो अल्लाह के रसूल हम आपको मायूस नहीं करेंगे, हमें खुशी होगी कि हम अल्लाह के महबूब पे और अल्लाह के दीन पे कुर्बान होंगे। वाह वाह सुभान अल्लाह, ये बहुत ही खूबसूरत पूरा जो है ना। डॉक्टर साहब एक सवाल फिर हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, सवाल ये कि हम लोग इसबाक की तरफ अगर गौर करें, वाकया तो हम लोग सुन रहे हैं लेकिन आखिर में जब देखते हैं कि जो कब्जे में ले लेते हैं और ये ग़ुलाम बना लेते हैं और इनको लेकर जाते हैं कैद करके वापस मदीना, वहाँ पर जाके जो अमल होता है उनके साथ और एक फिर इस्लाम एक नई मिसाल कायम करता है, ज़रा उस पर रोशनी डालें। इसमें बड़े इसबाक हैं जी, ये जो ख़ास तौर पर यानी मैं अपने तौर पर समझता हूँ कि सबसे पहली चीज़ तो यहाँ मुसलमानों का इखलास है, क्योंकि खालस लोग चाहिए थे, जब तक किसी सिपा सलार के साथ मुखलिस और खालस टीम ना हो, और आज भी तो उस वक्त तक कोई उस वक्त आज भी गवर्नमेंट में देख लें आप इसी तरह के जब तक ये लोग ना हो उस वक्त तक सिपा सलार अकेला आगे नहीं बढ़ सकता। बेशक बेशक। तो अब यहाँ मार्के में जिस तरीके से हुआ ना जी, के वो कुरैश ने आगे कहा कि हमारे कुरैशी हमारे मुकाबले में लाए, तो वो कुरैशी मुकाबले में आए, तो फिर इसी तरीके से उसी मार्के में जनाब उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने मामू को कत्ल किया। अल्लाहु अकबर। अच्छा इसी तरीके से जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबले में उनका बेटा था तो जनाब अबू बकर सिद्दीक अब्दुर्रहमान जी, तो इसी तरीके से जब यहाँ ये जो कैदी 70 कैदी जो यहाँ बदर में गिरफ्तार हुए उन्हीं मुशरिकीन में से 70 तो वहाँ मारे गए, 70 गिरफ्तार होकर यहाँ आए, रिश्तेदार भी थे तो सारे रिश्तेदार थे, यानी यही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो रिश्तेदार थे सारे और करीबी करीबी रिश्तेदार थे। तो वहाँ सहाबा किराम का मशवरा ये था कि आप ऐसा करें कि जो जो जिसका रिश्तेदार हज़रत उमर का ही हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का, क्योंकि इस्लाम के साथ जो उनकी वफ़ादारी जो उनकी कुर्बानी उनका ताल्लुक, तो वो फरमाने लगे कि जिस जिसका जो रिश्तेदार है उसके हवाले करें, वो उसको कत्ल करें।
और हज़रत अबू बकर ने फिर गालबन कहा कि इनको फ़िदिया लेके इनको जो है वो फ़िदिया लेकर रिहा कर दिया जाए। लेकिन यह है कि उनसे फिर बाकायदा तालीम का काम कि उनमें से जो पढ़े हुए लोग हैं वो मुसलमान एजुकेट करें, उनको एजुकेट करें। और ज़ाहिर है जो उस वक्त के जो उलूम थे, जो मुसलमान तो ख़ुद हिजरत करके आए थे और यहाँ अभी तक उनके पास वो सिस्टम नहीं बना था, तो वो उनको उस काम के लिए फिर इस्तेमाल किया गया तालीम का दर्स। यहाँ पर मैं चाहूँगी कि जैसे यौम अल फुरकान कहा जाता है हक और बातिल के फ़र्क का दिन, तो सूरह अनफाल की रोशनी में इस पर थोड़ा सा। सूरह अनफाल वाली आयात जो अभी मुफ्ती साहब ने पढ़ी हैं, तो यहाँ असल में पूरी सूरह अनफाल जो है वो इसमें कुर्बानी का जज्बा है, अल्लाह ताला के रास्ते में जो है वो जिहाद की तरगीब है और हर मैदान में साबित कदम रहने की तरगीब है। तो उसमें बतौर मिसाल इसी वाक़े को पेश किया गया है और साथ ये बताया गया है कि जब मुसलमानों के अंदर ये ईमान की मजबूती होगी, उनका अज़्म मुसम्मम होगा और अल्लाह ताला के रास्ते में अपनी जान तक कुर्बान कर देने के लिए तैयार होंगे, तो ये सिर्फ वहाँ तक के लिए ख़ास नहीं है कि सिर्फ बदर में ही हो, बल्कि वो जिस तरीके से इकबाल फरमाते हैं अब वो शेर फिजाए जब भी वो एक मॉडल था पूरी रहती दुनिया तक के मुसलमानों के लिए कि वो ईमान पैदा करें, वो जज्बा पैदा करें और हमेशा सुर्ख रू होंगे। कामयाबी अल्लाह ताला की तरफ से, वमन नसरु इल्ला मिन इंदिल्ला, और फरिश्तों का अल्लाह ताला की तरफ से हर दौर में मुसलमानों की तायद के लिए नाज़िल होना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीम के लिए जिस तरीके से उस वक्त अल्लाह ताला की सारी तायद और मदद और नुसरत आई, अगर आज हम उसी तरीके से तकवा अपनाएं तो हमारी भी मदद चाहे जितने भी मुश्किल हालात हों उसी तरीके से। इसमें वही जो लिल्लाहियत है, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की बारगाह में सजदे में हैं, सहाबा इकराम दुआएं कर रहे हैं और किसी तरह का तकबर नहीं, आजजी ही आजजी है और सफ़ों में इत्तेहाद है और इखलास है। तो ये चीज़ें आज भी अगर उम्मत मुस्लिमा पैदा करे तो उसकी अनवारात और बरकात पूरी दुनिया को मिलेंगे। यार भी मदद का यही करार दिया था, तस्बिरु व तत्तकु यातूकुम मिन फौरि माज़ा, तो सब्र और तकवा यही मेयार है नुसरत इलाही का। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर लेंगे जी एक ब्रेक और अल्लाह पाक से दुआ है कि ग़ज़वा बदर में जो अस्हाबे कराम का तौर तरीका था हमें भी अपनाने की अपनी ज़िंदगी में तौफीक अता फरमाए, आमीन। और फिर इसके बाद अगला जो एक सेगमेंट है उसमें जिक्र करेंगे मोमिनों की माँ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। एक छोटा सा वक्फा कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहें। मोमिनों की है माँ सैयदा आयशा, मोमिनों की है माँ सैयदा आयशा, सैयदा आयशा, सैयदा आयशा, ज़ोजाए मुस्तफ़ा सैयदा आयशा, ज़ोजाए मुस्तफ़ा सैयदा आयशा, सैयदा आयशा, सैयदा आयशा, ताज शर्मो हया सैयदा आयशा, ज़ोजाए मुस्तफ़ा सैयदा आयशा, खो गई जब सुई बोली सरकार से, खो गई जब सुई बोली सरकार से, कैसे ढूंढूं इसे आप बतलाइए, कैसे ढूंढूं इसे आप बतलाइए, मुस्कुराने लगे सुन के ये मुस्तफ़ा, और कहा ढूंढ लो अब सुई आयशा, आयशा आयशा सैयदा आयशा, सैयदा आयशा, सैयदा आयशा, जो मुअल्लिमा है कितने असहाब की,
जो मुअल्लिमा है कितने असहाब की माँ में यूं फजीलत है महताब की, माँ में यूं फजीलत है महताब की। उनका रुतबा करूँगा मैं कैसे बयां, इतनी जुर्रत कहाँ मुझ में है आयशा। जोजाए मुस्तफ़ा सैयदा आयशा, मोमिनों की है माँ सैयदा आयशा। मरहबा है जलवाए ज़ेबाए बामे आयशा। पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मरहबा ए जलवाए ज़ेबाए बामे आयशा, है हिलाले आमिना माहे तमामे आयशा। यानी आयशा के घर में जो चांद है, आमिना के घर में जो चांद है, आमिना का चांद जिसको हम कहते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, वो आयशा के घर में चौदहवीं का चांद है। मरहबा ए जलवाए ज़ेबाए बामे आयशा, है हिलाले आमिना माहे तमामे आयशा। दुख्तरे सिद्दीक अकबर ज़ौजाए खैरुल वरा, दुख्तरे सिद्दीक अकबर ज़ौजाए खैरुल वरा, है दो गोना औज का हामिल मुकामे आयशा। और आयशा के इस शरफ को भी जरा मलहूज रख, आयशा के इस शरफ को भी जरा मलहूज रख, अपने मुंह से मुस्तफा लेते थे नामे आयशा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत है हिलाले आमिना। मुफ्ती साहब, रोशनी डालें उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा की जिंदगी के ऊपर। देखें, कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अजवाज मुतहरात को उम्मत के माए करार दिया है। अन नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसहिम व अजवाजहु उम्महातुहुम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों की जानों से ज़्यादा उनसे ताल्लुक़ रखने वाले हैं और आपकी अजवाज मुतहरात ये उम्मत की माएँ हैं। तो यूँ तो तमाम अजवाज मुतहरात हमारी पूरी उम्मत की माएँ हैं और हर माँ का मकाम और मर्तबा ज़ाहिर है वही है कि उनके कदमों के नीचे जन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अजवाज मुतहरात, उनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़, आपकी हुरमत में आना, ये ऐसी चीज़ है कि इससे बढ़कर किसी औरत के लिए कोई फजीलत नहीं हो सकती। लेकिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो मकाम और मर्तबा है वो इस एतबार से मुमताज़ है कि आप दीगर तमाम अजवाज मुतहरात से कुछ अवसाफ़ के एतबार से मुमताज़ हैं, मुख्तलिफ हैं। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वाहिद ज़ौजा मुहतरमा हैं जो कि कुंवारी थी, और ये वो ज़ौजा मुहतरमा हैं कि जिनका निकाह अल्लाह तबरक व ताला की तरफ से हुआ। हज़रत जिब्राइल अमीन जो है वो रेशम के कपड़े में तस्वीर लाकर पेश करते हैं कि या रसूलल्लाह ये आपकी बीवी हैं दुनिया में भी और जन्नत में भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह की तरफ से ये फ़ैसला हुआ और अल्लाह ने आपकी हुरमत में इनको भेजा। और फिर रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जो ताल्लुक़ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से है, तो उसके बारे में रिवायत में आता है कि आयशा जो है बीवियों में ऐसे हैं जैसे खानों में सरीद होता है, जैसे शोरबे के अंदर खाना बनाया जाता है और अरबों के यहाँ ये सबसे महबूब खाना होता था, ऐसे हज़रत वसल्लम को बड़ा महबूब और सबसे महबूब खाना जो है आप सल्लम को भी सरीद हुआ करती थी। और शायद यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, डॉक्टर साहब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह ताला से सवाल भी कर रहे हैं। देखिए, अल्लाह ताला का हुक्म है कि बीवी के दर में इंसाफ़ किया जाए, आदल किया जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहरी तौर पर तो इंसाफ़ फरमा रहे हैं जो है ना, नफका के अंदर, शबाशी में, सब कुछ में, लेकिन जो कल्बी ताल्लुक और मोहब्बत है जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से है वो किसी और की तरफ नहीं, और ये चीज़ इख्तियार भी नहीं है। इसीलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते हैं, या अल्लाह के हाजा कस्मी फ़ीमा अमलिक फ़ला तलुमनी फ़ीमा तमलिक वला अमलिक, के ए अल्लाह जो तकसीम है मेरे बस में है वो तो मैं कर रहा हूँ, और या अल्लाह जो आपके इख्तियार में मेरे इख्तियार में नहीं है, यानी कल्बी रुझान और मोहब्बत, तो या अल्लाह उस पर मेरा मुआवज़ा फरमाना। और इस वजह से था कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ आपका कल्बी रुझान बहुत ज़्यादा। और फिर इल्मी एतबार से आप देखें, जैसे कि आपने भी अशार में बात कही कि आप जो है वो मुअल्लिमा हैं, और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद सबसे ज़्यादा अहादीस मुबारक आयशा रज़ी अल्लाह ताला। मैं उसी पर चाहूँगा डॉक्टर साहब, ज़रा आप रहनुमाई फरमाएं। जी जी जी, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खसूसियात में
एक खसूसियत ये है कि वो बहुत कम उम्री में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आई। मुस्तशरिकीन, मोतरजीन, कुफार इस पर एतराज़ात भी करते हैं और वो ज़ाहिर है उनके एतराज़ात उनकी अपनी सोच के मुताबिक हैं, लेकिन ये अल्लाह ताला का निज़ाम है और ये अल्लाह ताला का फ़ैसला था। उसमें ये जो हिकमत है जिस पर हमारे उलमाए किराम ने, मुफस्सिरीन किराम ने, मुहद्दिसीन ने, शारहीन ने, सातजा ने जिस पर बयान किया है कि हिकमत यही थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से बराए रास्त जो उलूम हैं वो उम्मत तक पहुंचाने का एक अच्छा और मज़बूत इंतज़ाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद देर तक कायम रखा जाए। वाह। चूँकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 53 साल उम्र थी, उसके बाद यानी मदीना तैयबा आने के बाद ज़ौजियत में आई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो उस वक्त फिर आगे बढ़ो थोड़ा अरसा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी हयात मुबारका का, तो आपकी वफ़ात के बाद तकरीबन 50 साल तक सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हयात रही और आपके आयली ज़िंदगी के जितने मामलात थे, आपके घरेलू निजी जितने भी थे, ख़वातीन से मुतालिक जितने भी उमूर थे, इसलिए हमारी मुसलमान ख़वातीन बड़ी मालामाल हैं कि इनके जो शरीयत के जितने हकूक़ हैं उनको बराह रास्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देख के सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान किया है। ये जो बसा औकात बात होती है ना जी ख़वातीन के हकूक़ की, तो ये लाइलमी और जहालत है, या समझ लें कि इस्लाम से अदावत है जिस बना पर इस तरह की चीज़ें उठाई जाती हैं, वरना हकीकत ये है कि जो इल्म नबुव्वत है अल्लाह ताला की तरफ से है तो वो उसको सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़रिए से अल्लाह जल्ला शानहू ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आधी सदी तक मुसलमानों तक पहुँचाने का इंतज़ाम किया। बहुत खूबसूरत। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो इल्मी मकाम है वो तो ये था कि बाहर जितना भी आपकी ज़िंदगी आपका जो इल्मी माहौल होता था उसमें वो साथ मौजूद होते थे और उसके लिए अलहदा से बहुत सारी फजीलत है, लेकिन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो बाहर वाली बातें भी पूछ लेती थी, सारे मामूलात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सैयदा आयशा के पास आ जाते थे और घर की जो निजी ज़िंदगी के जितने भी उमूर थे, हत्ता के सैयदा आयशा की खसूसियत ये भी है और वो सिर्फ इन्हीं की है कि जनाब जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा है और आपके बिस्तर पर कुरान मजीद नाज़िल हुआ। तो इस एतबार से ज़ाहिर है ये बहुत ही उम्दा और बहुत ही अहसन अंदाज। मैम मुख्तसरन ज़रा रोशनी फरमाएं और फिर जो है मेरा भी ये सवाल है कि आज की औरतें जो है उनके लिए तालीम किस कदर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने फरमाया कि साहबा कराम भी उनसे सुनने के लिए आते थे और उनके अकवाल और कौल इस कदर मशहूर हैं कि अभी भी हम लोग अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़दवाजी ज़िंदगी थी ना उस हवाले से मुख्तसर सा उन्होंने बयान किया है, लेकिन मेरे लिए ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है इसलिए कि आज हर घर की ये ज़रूरत है कि देखें किसी भी मुआशरे का जो यूनिट होता है वो एक घर होता है, एक फैमिली होती है ना, वो यूनिट जितना मज़बूत है उतना ही मुआशरा मज़बूत होगा, उतनी ही आगे चल कर रियासत मज़बूत होगी। और उस यूनिट के जो दो अहम तरीन आप अज्जा कह लीजिए, एक शोहर होता है और एक बीवी होते हैं। अब हमें सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से बेहतरीन नमूना एक शोहर की हैसियत से मिलता है और सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सूरत में एक बेहतरीन बीवी का जो एक नमूना है वो हमें मिलता है। तो मैं इसी पहलू पे थोड़ी सी जो है वो बात करना चाहूँगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल देखें कि वो जब घर में आते हैं तो बड़ी मोहब्बत के साथ और मुस्कुराते चेहरे के साथ आते हैं, और सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का तर्ज़ अमल देखें कि वो उनको नहायत मुस्कुराते चेहरे के साथ रिसीव करती हैं, उनके आराम का ख्याल रखती हैं। अब देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्र मुबारक थी और सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो उम्र मुबारक थी उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अकोमोडेट कैसे कर रहे हैं, मोहब्बत कैसे दे रहे हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केयर जो है वो सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मिल रही है। यहाँ तक भी हमें जिक्र मिलता है क्योंकि बचपन की उम्र थी तो सैयदा अगर अपनी सहेलियों के साथ खेल रही होती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आते और वह सहेलियाँ भाग जाती तो आप उनको पुकार कर कहते वापस आओ आयशा के साथ खेलो, यानी उनकी दिलजोई फरमाते। फिर इसी तरह आप देखें एक मौका पर सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान रेस का दौड़ का मुकाबला होता है, ये क्योंकि बिल्कुल शादी के इब्तदाई दिन है तो सैयदा आयशा सिद्दीका बिल्कुल दुबली पतली सी हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रेस होती है तो सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा जीत जाती हैं।
कुछ अरसे बाद जब वक्त गुजरता है, सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा थोड़ी हेल्दी हो जाती हैं, फरबा जिस्म हो जाता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उनको मदीना से थोड़ा बाहर मैदान में ले जाते हैं और कहते हैं आज आयशा फिर रेस करते हैं। तो सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा जब दौड़ती हैं तो फरबा होने की वजह से वो मुकाबला हार जाती हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हुज़ूर का जो अख़लाक़ था, हुज़ूर का जो आपके साथ जो उस्वा था, आपके साथ जो ट्रीटमेंट था, क्या आयशा देखो मैंने उस दिन का बदला ले लिया, यहाँ से आप इस चीज़ को महसूस करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बातों को कितनी अहमियत दे रहे थे, उनके साथ जो अमल था उसको कितनी अहमियत दे रहे थे, कि आयशा देखो मेरे जहन में अभी भी है कि कल तुम जीती थी, मैं हार गया था, आज देखो मैं जीत गया हूँ और मैंने तुम्हें हरा दिया। मोहब्बत का एक अंदाज़ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ौजा को हुमैरा कहकर पुकारते, यहाँ से हमारे लिए क्या है कि अपनी बीवियों को खूबसूरत नामों से पुकारें, मोहब्बत के साथ उनके साथ बात करें। फिर इसी तरह से अगर कभी सैयदा आयशा सिद्दीका से एक जिक्र मिलता है कि एक दफ़ा महल सैयदा सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वाले से, वो ज़रा बड़ी उम्र की थी, उन्होंने कुछ पका के भेज दिया, और ये वो दिन था जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजराए अनवर में थे, आप क्योंकि छोटी उम्र की भी थी तो आपने ना वो बर्तन उठा के फेंक दिया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर क्या किया, ये नहीं ये आयशा आपने क्या कर दिया, ये क्या हो गया, नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर देखा, वो बर्तन उठाया और जो लेने वाला आया था उसको कहा कि जाकर दूसरी माँ से जिक्र ना करना। क्यों? कि वो जो एक लड़ाई झगड़ा पैदा हो सकता है, एक मामला जहन में आ सकते हैं, गो कि ऐसी हस्तियाँ इन चीज़ों से बहुत बाला तर होती हैं, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप रिस्तलान हाने जो एक गैरत में या मोहब्बत की गैरत कह लें उसमें जो एक अमल किया, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी कवर किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़ौजा मोहतरमा थी कि जिनके दिल में जो बात आती ओपनली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज कर दिया करती थी, डरती नहीं थी, खौफ नहीं था कि अगर ये बात की तो कैसे होगा। मैं इन हस्तियों का जितना जिक्र किया जाए कम है, लेकिन हम लोग वक्त की वजह से पाबंद हैं, तो यहाँ पर आखिर में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जितना हो सके हमको अमल दरामद करना चाहिए इन तमाम शख्सियात की ज़िंदगी के ऊपर, नज़र फरमानी चाहिए। मती भाई आपसे कलाम की दरख्वास्त है, और जब मती भाई कलाम शुरू करेंगे कलाम के दरमियान में ही हम लोग ब्रेक की तरफ चले जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम लोग बढ़ते हैं किचन के सेगमेंट की तरफ और बाकी सेगमेंट्स की तरफ। आज भी ज़मीन के नन्हे मुन्ने फरिश्ते हमारे साथ मौजूद हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। मती भाई कलाम। शुक्रिया नजम। इससे पहले मैं एक बात कर लूँ अगर आप इजाज़त दें। इजाज़त नहीं है, इजाज़त नहीं है, चले। मुझे वो कहते हैं कि हज़रत आयशा, जब अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि आयशा जब तुम मुझसे नाराज़ होती हो मुझे तब भी पता चल जाता है, जब तुम मुझसे राज़ी होती हो मुझे तब भी पता चल जाता है। अल्लाह के रसूल कैसे बात कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल कैसे, अल्लाह के रसूल फरमाते जब तुम मुझसे राज़ी होती हो तो कहती हो मोहम्मद के रब की कसम, और जब तुम मुझसे नाराज़ होती हो तो कहती हो इब्राहिम के रब की कसम, मुझे पता चल जाता है। तो सूरह नूर में जिनका तज़किरा है मैं उनका तज़किरा करता हूँ, समात फरमाइएगा के तू है खातूने जन्नत की माँ आयशा, कोई दुनिया में तुझसा कहाँ आयशा, तू है खातूने जन्नत की माँ आयशा। सूराए नूर में जिसका है तज़करा, सुभान अल्लाह, सूराए नूर में जिसका है तज़करा, है उसी नूर की कहकशा आयशा, तू है खातूने जन्नत की माँ आयशा। और जैसा मुफ्ती साहब ने हवाला दिया था, रब ने कुरान में खुद बताया हमें, रब ने कुरान में खुद बताया हमें कि हम सभी मोमिनों
की है माँ आयशा, हम सभी मोमिनों की है माँ आयशा, तू है खातून जन्नत की माँ आयशा। और इसका आखिरी शेर समाप्त होगा, माँ बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नत, इसकी शर्त। हुजरा आका ने छोड़ा नहीं आपका, ये गुम्बदे खजरा आयशा की मलकियत में है। हुजरा आका ने छोड़ा नहीं आपका, हुजरा आका ने छोड़ा नहीं आपका, तो भेज दी रब ने जन्नत वहाँ आयशा, भेज दी रब ने जन्नत वहाँ आयशा, तू है खातून जन्नत की माँ आयशा। सलामत रहिए, खुश रहिए। माहे करीम इफ्तार ट्रांसमिशन में आप सबको खुश आमदीद, मैं हूँ अरीश मोहियुद्दीन और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज नजम साकिब और हमारी प्यारी सी शेफ हिना तारिक। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल मजे में हूँ, खुशबाश। मैम कैसा गुजरा रमजान आपका? बहुत अच्छा और बहुत बिजी। कंट्री फ्राइड चिकन गालबन यही नाम था, बिल्कुल यही नाम वो था। बनाया और हम सब ने इफ्तार किया और सबको बहुत पसंद आया, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। और आज बताएं, आज भी यहाँ पर मुझे चिकन नजर आ रहे हैं, ठीक है। और बल्कि मैं ये भी यहाँ पर बताना चाहूँगा, मैंने इनसे तो शेयर किया कि हमारे इस ऑफिस के अंदर और हमारे जितने जानने वाले लोग हैं वो सब आलू को जन्नत कहते हैं और चिकन को जो है ना रोशनी कहते हैं। तो अक्सर जब ये पलाव बना होता है या बिरयानी बनी होती है तो सब देख रहे होते हैं कि रोशनी कहाँ पर है, रोशनी ढूंढे, ठीक है। तो आज भी मुझे रोशनी नजर आ रही है। हमारे सेट पे बहुत ज्यादा रोशनी है क्योंकि हर घर में रोशनी बहुत ज्यादा होती है ना। फ्रिज खोलो रोशनी रोशनी, बाहर चला जाओ रोशनी रोशनी, हर रेसिपी रोशनी से। तो फिर आज हम क्या बना रहे हैं? आज भी हम रोशनी को लेके, आई मीन चिकन को लेके हम एक रेसिपी बनाएंगे जो बड़ी चटपटी सी है, स्पाइसी भी होगी। और ये है तो थोड़ी सी इंग्लिश स्टाइल की, कोरियन स्टाइल का फ्राइड चिकन है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा पाकिस्तानी टच भी दे सकते हैं। कोरियन अफ्तारी होगी? हाँ, थोड़ा कोरियन अफ्तारी करेंगे क्योंकि वो भी हमारी तरह चटपटे और स्पाइसी खाने बहुत खाते हैं। बस अब ये देख लें कि आपके चटपटे और स्पाइसी खानों पे हमारे न्यूट्रिशन और हमारे जो है ना वो एक्सरसाइज वाले शेहान साहब, उनको एतराज ना। देखिए मैं तो इस तरफ यूं करके करूंगी, आप देखें, आप और अरीज देखें, शेफ तो जो ना इन चीजों से दूर नहीं रह सकते, आपको पता ही है, हमारी सेहत से आपको अंदाजा हो ही रहा होगा। हम कैसे हैं? बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं जब मुंह को बंद करना पड़ता है। तो ये रोशनी को लेके, यानी कि हम चिकन को लेके रेसिपी बना रहे हैं और बनाने में बहुत आसान सी ये चीज़ें हैं, घर पे मौजूद होती हैं हमेशा ही, और नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं कुछ दो तीन चीज़ें जो हम बीच में ऐड करेंगे। अगर आपको लगता है कि स्पाइसी ज़्यादा हो जाएगा या आपको मार्केट जाने का तरद्दुद ना करना पड़े तो आप उसको निकाल दीजिए। लेकिन आपको चाहिए होगा जो बेसिक चीज़ है वो है क्यूब में चिकन कटा हुआ, तकरीबन जैसे आधा किलो ले लें, मेरे पास क्वांटिटी ज़्यादा है यहाँ पर, आप हाफ के जी चिकन ले लें। उसके अलावा आपको चाहिए, हाँ ये रेसिपी बोलने से ही बनेगी, और यहाँ पर मेरे पास है मैदा फाइन फ्लावर, ठीक है। सबसे पहले तो हम यूँ करेंगे कि इस चिकन को हल्का सा नमक और हल्का सा लाल मिर्च लगा के रख लेंगे ताकि थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए, और अगर आप चिकन पाउडर का फ्लेवर पसंद करते तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं, और नहीं तो बेशक मत करें। और इसमें भी हम थोड़ा सा नमक और रेड चिली पाउडर ऐड कर लेंगे ताकि ये जो मैदा है ना ये बिल्कुल रूखा फीका सा ना लगे, और हम इसके साथ टॉस करने के बाद इसको हम डीप फ्राई कर लेंगे तो ये क्रिस्पी सा चिकन तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम कोट करेंगे इससे। एग्जैक्टली, हम जो इसकी सॉस बनाएंगे उसमें हम ये कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे मेरे पास है हॉट सॉस, सूप्स में इस्तेमाल होती है, यहाँ पर है मेरे पास पेरी पेरी सॉस, अगर ये नहीं है तो आपने इसके लिए मार्केट जाने की जरूरत नहीं, आप इसको स्किप कर दीजिए। मेरे पास है टमाटो केचप। अच्छा, मुझे ना यहाँ पर चीज़ें कुछ नजर नहीं आ रही, माजरा कौन सी इसके लिए, ये आपको जरूरत तो नहीं है? नहीं, ये तो हमने जरा खूबसूरत लगे ना, हमारा सेट जरा हरा भरा लगे। मैं चाह रहा हूँ इसको थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पर कर दें इसको बैक साइड पे, ठीक है, तो आगे अब आपको नजर आ रहा है, अब जो है ना क्लियर नजर आ रहा है। और टोमेटो केचप हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, क्वांटिटी सॉस के अकॉर्डिंगली हम बनाएंगे,
उसके अलावा काली मिर्च, नमक आपके टेस्ट के मुताबिक, और सॉस को जब हम स्टार्ट करेंगे तो हल्का सा ऑयल डालेंगे, ऑयल के साथ ही हम चॉप गार्लिक और ये जूलियन जिंजर, इसको थोड़ा सा ब्राउन करेंगे, ज़्यादा नहीं करना, और साथ ही हम उसके अंदर इस्तेमाल करेंगे हॉट सॉस, पेरी पेरी सॉस, टमाटो केचप, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, और यहाँ पे मेरे पास हैं पीनट्स, तो थोड़े से हम क्रश पीनट ऐड करेंगे, और मेरे पास है जी यहाँ पे ब्राउन शुगर, शक्कर ले लें आप, गुड़ ले लें आप, या सादी चीनी, एग्जैक्टली जो मौजूद है आप उसको इस्तेमाल कर लीजिए। तो थोड़ा सा देसी तरफ भी जाना चाहिए खानों को लेकर, तो यहाँ पे मेरे पास ये है मौजूद, तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, जब बहुत स्पाइसी खाने होते हैं ना, तो ब्राउन शुगर, शुगर जो है इसके टेस्ट को ज़रा बैलेंस कर देती है। या हम टमाटो सूप्स जब मार्केट जाते हैं पीते हैं रेस्टोरेंट्स में, तो उसमें भी हम थोड़ा सा शुगर का इस्तेमाल करते हैं, तो वो खटास को एक लेवल दे देती है। ये नहीं होता कि आपको लगे बहुत मीठा हो जाएगा, वो मीठा नहीं होता, वो चिलीज को इक्वल कर देती है। ये रोस्टेड है, ये रोस्टेड पीनट्स है। अगर आपको इसका फ्लेवर अच्छा लगता है तो आप जरूर डालने के लिए, जब आप खाएंगे तो बहुत मजा आएगा। यानी कि ये जो रोस्टेड की होती है, एक तो होती है बिल्कुल जिसका फ्लेवर नहीं होता, तो वो हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने उसके साथ कुछ बनाना हो, जैसे स्वीट एंड सॉल्टी बनानी हो। लेकिन ये जो है ना, ये आम पैकेट वाली है, आप अच्छा उसको यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर में इस्तेमाल करूंगी, अगर मुझे लगे कि ये सॉस थोड़ी सी पतली है, रनी है, क्योंकि हम पानी इस्तेमाल करेंगे इसमें हाफ कप, ताकि जितनी भी सॉसेज है ना उन सब का फ्लेवर थोड़ा सा पकने के बाद मिक्स हो जाए, तो थोड़ा सा हमें कॉर्नफ्लोर 1-1.5 चम्मच जरूरत पड़ेगी। तो ये एक रेसिपी है, और उसके साथ हम जो सेकंड बनाएंगे, ताकि थोड़ा सा ये जो रोशनी है इसके साथ साथ कुछ पानी भी हो हाजमे के लिए, तो हम इन मार्गरेटा बनाएंगे। तो हम एक वाइट सोडा वाटर की बॉटल लेंगे, जो हमारे पास बहुत आम मिलती है हर घर पे, और साथ में कुछ मिंट के पत्ते होंगे उसमें, उसमें फ्रेश लेमन जूस का इस्तेमाल होगा, और चीनी। बहुत आसान रेसिपी है और झटपट बन जाएगी, और एक अदद ग्राइंडर के हिसाब से बहुत अच्छी रेसिपी है, ठीक है ना। तो एक थोड़ा सा स्पाइसी फूड हो जाएगा और उसके साथ मिंट मार्गरेटा, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। तो पहले हम इसको थोड़ा सा इसको ऑन कर दें ताकि ये गर्म हो जाए, ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। अच्छा, और उसके साथ साथ हम एक साइड पे सॉस के लिए भी तैयारी शुरू कर देते हैं। और अरीज प्रैक्टिस कर रही हूँ चॉपस्टिक्स की। चॉपस्टिक्स से आज मैंने सीखा थोड़ा थोड़ा। क्या सीखा आपने? के पीनट को कैसे जरा उठा के दिखाएं आप मुझे। अब मैं नर्वस हूं, बहुत जरूरी है इस इम्तिहान में आपको पढ़ना। मैं खा नहीं, ये देख रहे हैं आप, कामयाब हो गए हैं, तालियां बजाएं जी, बैठे मैंने ब्रेक में सीखा था कि कैसे, कल से कोशिशें जारी थी, आज थोड़े थोड़े सीख लिया। जरूरी है ना, ये भी सारे काम सीखने चाहिए। ये आपने काली मिर्च ऐड की? हाँ, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च, ताकि थोड़ा इसमें फ्लेवर आ जाए। और बस इस चिकन को हम डायरेक्टली इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो इस चिकन को थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर लगा लें, इनफैक्ट लगा ही लेते तो अच्छा है। थोड़ा और टेस्ट हम चेक करें यहाँ पर। आई होप अच्छा, मैरिनेट करना हर रेसिपी में जरूरी नहीं होता, लेकिन टेस्ट के लिए हम कर सकते हैं, करना चाहिए भी। अच्छा, उससे अच्छा हो जाता है, फ्लेवर चिकन के अंदर तक चला जाता है। कोई टाइम ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? तकरीबन 10-15 मिनट तो लाजमी है ना। अगर 10-15 मिनट रख लें तो बहुत अच्छी बात है। और थोड़ा सा हम इसके साथ विनेगर का इस्तेमाल करते हैं, 1 टीस्पून। ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। अच्छा, चिकन को धोने के लिए भी आप इसको इस तरह से करके वॉश कर ले तो वो भी अच्छा है, कि चिकन में स्मेल निकल जाएगी जितनी भी है। और ये ऑयल भी तकरीबन गर्म हो चुका। अच्छा अरीज, मुझे थोड़ा सा आप पानी दे दें। अच्छा, अब अरीज सोच रही है, ये रहा पानी, दो ये रहा पानी, जग है ना आपके पास, ये रहा, ये नहीं, इसमें ऐड नहीं कर देना। अच्छा अच्छा, बस इसको तो हमने हल्का सा टॉस किया है, क्योंकि इसमें विनेगर लगा हुआ है और चिकन का अपना भी जो पानी होता है इसके अंदर मौजूद, तो उसके साथ ही ये बन जाएगा। अगर आपको इसमें क्रम्स चाहिए तो फिर आप इसको पानी में एक दफ़ा डिप कर लो और दोबारा से इसको मैदे में कोट करो, तो इसका क्रम बन जाएगा। जब ब्रेड क्रम्स हम बना इसमें लगा सकते हैं या कैसे बनाते हैं? नहीं, ये ब्रेड क्रम वाली रेसिपी नहीं है। नहीं, ब्रेड क्रम्स लगाने के लिए तो फिर आपको मैदा और अंडा इसको कोट करके चिकन को और फिर आपको इसमें इस्तेमाल करना। सही सही, और ये भी बताएं हमारे घर वालों को कि जो लोग देख रहे हैं कि किचन साफ होना भी बहुत जरूरी जी है। बहुत जरूरी है, इसके बगैर ये तो मेसी जो सिचुएशन होती है। आप करते हैं घर में कुछ काम किचन में? हाँ, मैं बिल्कुल करता हूँ। खाना खाते हैं? कुकिंग आती है आपको? क्या आती है? कुकिंग आती है मुझे, चाय बनाना आती है, ठीक है, और बाकी मैं सीख रहा हूँ।
और अभी भी सीखने का अमल जारी है। बिल्कुल ठीक है, आप प्लीज ना सीखें, मुझे मेरी जॉब करने दें, आप अपनी होस्टिंग करें, देखें प्लीज। देखने में इसलिए नहीं सीख रहा, उल्टी बातें ना पूछो प्लीज। मैं इसलिए नहीं सीख रहा। अच्छी बात है, घर में मर्दों को भी तो साथ देना चाहिए अपने घर की खातिन का। वेल, मेरा ख्याल है कि जब तक यहाँ पर कुकिंग चल रही है और मिंट मार्गरिटा भी साथ बनेगा जो हम बिल्कुल ट्राई करेंगे बाद में। नहीं नहीं, पहले हम सॉस बनाएंगे। अच्छा, पहले सॉस बनाएंगे क्योंकि हमने इसको सॉस में टॉस करना है। कल वाली नहीं नहीं, ये डिफरेंट है, ये अभी बनाएंगे। मैंने पैन ऑन कर दिया, जब तक ये ठीक है फ्राई होगा तब तक हम उधर भी चलते हैं, एक सवाल उधर से पूछते हैं और वापस जो है अरीज यहीं पर मौजूद रहेंगे आपके साथ। तो जनाब, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर काम चल रहा है, तो आइए दूसरी तरफ बढ़ते हैं और दो प्यारी सी शख्सियात जो कल भी हमारे साथ मौजूद थी आज भी मौजूद हैं, मोहतरमा डॉक्टर कशफ हुसैन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, ठीक है। और जनाब शिहान आकाश साहब, आप भी खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों का रोजा अच्छा गुजर रहा है? जबरदस्त लग तो नहीं रहा रोजा, खुशबू आ रही है किचन से? थोड़ी थोड़ी जो खुशबू आ रही है ना वो बस। लेकिन आप लोगों को तो ऐसी चीजें बने हैं, ये इम्तिहान है असल में। आप लोगों ने तो नहीं खाना, क्या कहेंगे? हम लोगों को मना करते हैं, हम खुद खा लेते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहिबा, आज बताएंगे हम लोग क्या जो है वो बताने लगी हैं आप हमारी ऑडियंस को, क्या हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही दिलचस्प सा टॉपिक है, जो है कि आप रमज़ान में कैसे वेट लॉस कर सकते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, कैसे वेट लूज करना है, मतलब ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए। हाँ जी, ऐसा होता है जो लोग बाकी 11 महीने में अपना वज़न कम नहीं कर सकते, वो इस बाबरकत महीने में कैसे अपना वज़न कम कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है सबके लिए, और ये बात नहीं है कि जो मैं बातें बताऊँगी वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए हैं जो मोटे लोग हैं, नॉर्मल लोगों को भी जो है इन बातों पर अमल करना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट जो है हम करते हैं इस चीज से, एक बहुत ही खास बात है जो कि है कहानी सारी, गेम सारी है कैलोरीज की। ठीक है, हमारा जो वेट गेन होता है वो होता है कैलोरीज की वजह से। ठीक है, तो कैलोरीज के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, कैलोरीज एक्चुअली होती क्या है। कैलोरीज हमारी बॉडी में वो एनर्जी की अमाउंट है जब हमारा बॉडी जो है वो किसी भी खाने को डाइजेस्ट करती है या फिर एब्जॉर्ब करती है, तो उस सूरत में हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है जिनको हम कैलोरीज कहते हैं। ये बताना इसलिए भी ज़रूरी था ताकि आगे जो है वो हमारे व्यूअर्स को परेशानी ना हो। हाँ, पता चल जाए कि कैलोरीज कैलोरीज होती क्या, एग्जैक्टली तो ये है। और जो है वो कैलोरीज मर्दों और औरतों के लिए दोनों की जो है ना वो कैलोरी इनटेक एंड अकाउंट अलग अलग है। ठीक है, जैसे फीमेल्स की हम बात कर लेते हैं तो उनको डेली जो चाहिए होती है वो 1500 टू 1550 किलो कैलोरीज डेली, और अगर हम मर्दों की बात करते हैं तो उनको चाहिए होती हैं 1600 से 1800 किलो कैलोरीज डेली। ठीक है, बॉडी वेट और बाकी चीज़ें जैसे हाँ 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 जी, ये तकरीबन हाँ, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है एक WHO उनकी तरफ से जो है ये सारे जो हैं ये फिगर्स एंड काउंट्स, हाँ जी, स्टैंडर्ड्स उनकी तरफ से बनाए गए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जब इंसान 15 से 16 घंटे भूखे रहता है उसके बावजूद भी वो 7-8 किलो वजन कैसे बढ़ाता है। सही बात। ठीक है, हम चलते हैं जी सहरी की तरफ। सहरी में सबसे पहले आप खाते हैं पराठे। ठीक है, जब आप एक पराठा खाते हैं तो उससे आपको 350 से लेके 500 किलो कैलोरीज एक पराठे से आप गेन कर लेते हैं। अल्लाह। ठीक है, उसके साथ आप जब खाते हैं सालन, ठीक है, भुना हुआ सालन या थोड़ा सा ग्रेवी वाला सालन, नहीं नहीं यहाँ पर तो निहारी चलती है, हाँ, उससे आप फ्री में आपको मिल रही है 400 से 500 किलो कैलोरीज। ठीक है, उसके साथ, हाँ जी, उसके साथ अगर आप पी रहे हैं चाय जिसमें आपने डाला है 2 चाय के चम्मच चीनी, 100 किलो कैलोरीज आपने वहां से ले ली। ठीक है, जबरदस्त काम हो गया कि नहीं हो गया। और अगर ये कप आपने पी ली है दो, तो समझो 200 किलो कैलोरीज आपने वहां से गेन कर ली। साथ अगर आप कोई बेकरी आइटम खा रहे हैं, कोई डोनट खा रहे हैं या कुछ और चीज़, कोई पेटी खा रहे हैं, तो 200 किलो कैलोरीज वहाँ से आपको मुफ्त में मिल गई। जहाँ पे आपकी पूरे दिन की रिक्वायरमेंट है 1500 या 1600 किलो कैलोरीज, वहाँ वहाँ आपने 1000 से 1200 सिर्फ शरीर में आपने जो है वो आपने ले ली। ठीक है, इसी तरह हम जाते हैं इफ्तार की तरफ। चले खजूर जो है उसमें बड़ी कम मिकदार होती है कैलोरीज की, एक खजूर में 14 कैलोरीज होती हैं, 1-2-3 भी खा ले तो इतना मसला नहीं है। फिर हम आते हैं पकौड़ों पर। पकौड़ों पे अगर आपने खोल दिया अपना हाथ तो 400 किलो कैलोरीज आपको मिल गई। समोसा अगर आपने खा लिया एक बड़े साइज का, 250 किलो कैलोरीज आपने वहां से गेन कर ली। ठीक है, इसी तरह अगर आप एक एवरेज बाउल ले रहे हैं चना चाट का, 200 किलो कैलोरीज आपको वहां से मिल गई। ये उन लोगों के लिए सवाल है जो कहते हैं हाय अल्लाह वजन कैसे बढ़ गया इतना घंटे भूखे रहने के बाद। ठीक है, आपने फ्रूट चाट खा लिया जिसमें आपने मलाई भी डाली, आपने चीनी भी डाली, 150 किलो कैलोरीज आपको वहां से मिल गई। उसके बाद अगर आपने खाया, उसके बाद पहले सुने होता क्या है, सुने सुने सुने, उसके बाद अगर आपने खाया खाना,
ठीक है, ऐसा होता है आपने देखा होगा कि अफ्तार से थोड़ी देर पहले तंदूरों पे कितनी रश होती है। जी, जी, जी। वैसे बुरा मानने की बात नहीं है, ख्वातीन और रेडी बहुत थकी होती हैं तो फिर रोटी वो तंदूर से ही मंगाती हैं। जब आप एक तंदूरी नान खाते हैं तो आपको मिल गई 250 किलो कैलोरीज वहाँ से, नान तंदूरी नान में। ठीक है, और बस घर की जो रोटी होती है उसमें बहुत कम होता है। और अगर अरीज ने ये सीरियस ले लिया तो उसके बाद उन्होंने खाना पीना ही छोड़ दिया। मैं तो सोच रही हूं कि अच्छा आपने खाने के बाद पी ली फिर चाय, 100 किलो कैलोरीज आपको वहां से मिल गई, और मीठा जिसके पीछे हमें क्रेविंग्स होती हैं। ठीक है, हम लोग जो बेवरेजेस पी रहे हैं, हाँ हाँ मैं वही बताती हूँ। ठीक है, मीठा अगर आप खा रहे हैं, कस्टर्ड खा लिया आपने, चॉकलेट्स खा ली, 400 to 1000 किलो कैलोरीज एट अ टाइम आप वहां से गेन कर रहे हैं। लाल शरबत, रेड जूस, हर घर की जो है वो डिमांड। और मैंने कल आपको देखा था, आपने मेरे सामने दो ग्लास पिए थे, 300 to 350 किलो कैलोरीज आप वहाँ से गेन कर रहे हैं। ठीक है, एस्टिमेट लगाया जाए तो पूरे दिन का आप सिर्फ सहरी, अफ्तारी और खाने में आप कम से कम 3500 प्लस किलो कैलोरीज गेन कर रहे हैं। अब ये पूछा जाए तो इनका क्या होता है, अब जो औरतों की बात करें तो 1500 to 1550 हमारी नीड है, वो आ गई। ठीक है, मर्दों की बात करें तो 1600 to 1800 उनकी नीड है, वो भी आ गई। तो ऊपर की जो 2500 प्लस किलो कैलोरीज हैं वो हमारी बॉडी में सेव हो गई एज अ फैट। और अगर आप 3 to 4 दिन पर 2000 प्लस भी आप फैट अपनी बॉडी में सेव कर रहे हैं ना, तो 2 to 3 pounds जो है ना आपका किलो जो है, 2 to 3 pounds आपने कर लिया 4 दिनों में। लोगों ने चैनल चेंज कर देना ये बातें सुन के। ठीक है, नहीं हम इसके आपको अच्छा अच्छा अल्टरनेटिव भी बताएंगे। अल्टरनेटिव की तरफ हम लोग आएंगे, लेकिन शेहान की तरफ चलते हैं। शेहान, वेट लॉस जिस तरीके से डॉक्टर साहबा करवा रही हैं उस तरीके से शायद कोई करे ना करे, ठीक है, आप बताएंगे इस तरीके से आप करवा सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा मैं कोशिश ये करता हूँ कि हम आम लोगों को आम जुबान में समझाने की कोशिश करें, क्योंकि हर बंदे को नहीं पता है कि कैलोरीज क्या है। अब वो उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल ये हो जाती है कि क्या वो स्केल रखें और उसके ऊपर रोटी को वो तोलना शुरू करें, इस तरह की चीज़ें करें। बहुत सारे लोग करते भी हैं, लेकिन हर बंदा उसको नहीं कर सकता है, तो वो उसके लिए ज़रा मुश्किल है। इसके अंदर देखें, हम मैं ये सबको सजेस्ट करता हूँ और कहता हूँ कि हम पाकिस्तान के अंदर खुसूसन जो खाना खाते हैं वो सवाब समझ के और उसको इतना वो करते हैं अंदर, तब जब तक हमारे गले तक ना आ जाए तो लोग खाते रहते हैं खाने के लिए। जी, अच्छा उसमें होता क्या है, उसमें होता ये है कि जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं बहुत ज़्यादा, तो हज़म होने में टाइम लेता है, वो कुछ हज़म होता है, कुछ रह जाता है जो फैट में निकल जाता है। तो उसको ये करें कि जो सुन्नत भी है, रमज़ान भी है, ठीक है, तो आपको अपनी भूख रखनी चाहिए, आधी भूख रख के आपको खाना खाना चाहिए। अगर हमें दीन में ये चीज़ें सिखाई गई हैं तो इसकी कोई वजह है। अगर आप साइंस को रिलेट करें, आप डाइटिशियंस को इन चीज़ों को रिलेट करें इस्लाम से जाके, तो आपको मिलेगा जो था कि खाने के बाद आपने पानी नहीं पीना है, ऐसी कितनी सारी हैबिट्स हैं, ठीक है, आप जो है वो खाना खाने के फौरन बाद सो ना जाएं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना साइंस ने भी प्रूव कर दी और इस्लाम ने तो पहले से प्रूव की है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आप करें ये कि अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर लें। होता ये है कि हम नॉर्मल रूटीन में अगर रमज़ान से हट के भी मैं बात करूं तो हमारे बॉडी के अंदर सिर्फ स्टमक जो है हम उसको रेस्ट नहीं देते हैं, क्योंकि हमने जब नाश्ता किया उसके बाद दिन का खाना खा लिया, फिर शाम का खाना खाया, शाम का खाना हमारा होता कैसे कि हम रात को घर पहुंचते हैं 10, 11, 12 बजे और फिर हम बच्चों के साथ बैठ के उससे पहले भी शाम को बहुत कुछ खा, अब वो तो खाती हैं लेकिन उसके बाद हम खाने के फ़ौरन बाद सो जाते हैं और हमें जो टाइम चाहिए उसको हजम करने के लिए वो जब तक बेचारा स्टमक प्रोसेस में होता है सुबह उठ के फिर हम उसके ऊपर डाल देते। तो ये आप ये वो कर लें कि एक ऐसी मशीनरी को हमने ऐसी चीज़ में डाला हुआ जो 24 घंटे वर्क कर रही है। उसके साथ आप अगर गाड़ी रखते हैं तो आप अपनी गाड़ी का ख्याल रखते हैं, ठीक है, आप उसको ऑयल चेंज करते हैं, उसको वॉश करवाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये वो गाड़ी है आपका जिस्म जिसको अल्लाह ताला ने आपको दिया और आपने मरते दम तक इसके अंदर सफ़र करना है, तो हम इसका ख्याल क्यों नहीं रखते हैं? हम आधा घंटा फिटनेस के लिए क्यों नहीं निकालते हैं? हम डाइट को कंट्रोल क्यों नहीं करते हैं? बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं। अच्छा, आप अगर जिम नहीं जा सकते आप वॉक कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप कोई बच्चों के साथ गेम खेल सकते हैं। देखिए सोशल मीडिया ने वैसे ही बच्चों से आपको दूर कर दिया, इसी बहाने आप कोई चीज़ प्लान कर लें, क्रिकेट खेल लें, कोई भी चीज़ कर लें, बच्चों को ले जाएं ग्राउंड में, वहाँ जाके अपने सेल फोन को ऑफ कीजिए और वहाँ पर एक्टिविटी करना शुरू करें। अब वो कैलरीज क्या होगा कि इन्होंने तो बता दिया कि आपने वो खा ली और जमा कर ली, हाँ। अच्छा उसमें ये होगा कि जो स्लिम लोग हैं पहले से जिनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि जो ओवरवेट नहीं है, जिनके ऊपर फैट नहीं है, अगर वो ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो उससे ये होगा कि अगर वो 200-300-500 कैलोरीज अगर उन्होंने एक्स्ट्रा ली भी हैं तो वो उसको बर्न कर रहे हैं, ठीक है, वो उनका नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सिलसिला है, वो अपनी मनपसंद चीज़ भी खा रहे हैं, लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं और साथ वर्कआउट करके उसको ख़त्म कर रहे हैं।
अच्छा, जो लोग जैसे वो मुझे हिना की बात बड़ी अच्छी लगी थी, हिना ने कहा कि हम जो है मुंह नहीं रोक सकते, हम खाते हैं, जिन लोगों ने खा के अपने आप को ओवरवेट कर लिया है, अच्छा अगर वो भी फिजिकल एक्टिविटी एक मखसूस शुरू कर देंगे तो उस वक्त भी ये होगा कि नो प्रॉफिट नो लॉस, वो जो डेली खा रहे हैं उसको वहाँ पर वो कंट्रोल कर लेंगे, उससे बढ़ेंगे नहीं। और अगर उन्होंने कम होना है तो वो हमने कल ऑलरेडी डिस्कस किया था कि आप उसको जो है रिवर्स प्रोसेस में लेके आएंगे अपनी बॉडी को, बोला था आप इफ्तार से पहले बिल्कुल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि आपने जिक्र कर दिया इन तमाम चीज़ों का, खतरनाक चीज़ों का, उसके बाद आते हैं कि हाई कैलोरी फूड जो है, ठीक है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, ठीक है, इसका इनटेक जो है वो किस तरीके से इफेक्ट करता है। यही बात मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जैसे अभी आकाश ने भी ये बात क्लियर की है कि जब हम हाई जिस फूड में जितनी ज़्यादा कैलोरीज होंगी उसका मतलब है हमारी बॉडी में उतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो इंड्यूस हो रही है। इसके अल्टरनेटिव्स पे आ जाते हैं, ठीक है, उतना ही हो गया। अब अल्टरनेटिव इसका क्या है, सहरी में जैसे मैंने आपको बताया आप पराठा ले रहे हैं तो उससे आपको कितनी ज़्यादा कैलोरीज मिल रही हैं, पराठे की जगह अगर आप रोटी लेते हैं तो उससे आपको सिर्फ 120 किलो कैलोरीज एट अ टाइम मिलेंगी, ठीक है, पराठे से आपको डबल मिल रही हैं, तो आपने क्या किया, रोटी खा के उसको कम कर दिया, ठीक है। जैसे कि सालन अगर आप ले रहे हैं जिससे आपको मिल रहे हैं 400 से 500 किलो कैलोरीज, आप एक अंडा ले लें, आपने उसको ऑमलेट बना लिया, उसमें आपने प्याज डाला, टमाटर डाला और जो आप डालना चाह रहे हैं आपने डाल दिया, उससे आपको टोटल मिलेंगी 100 किलो कैलोरीज। सालन की जगह आप ले लेते हैं अंडा, ठीक है, उससे ये है कि आप पूरा दिन एनर्जाइज भी रहेंगे, आपको भूख भी नहीं लगेगी और आपकी कैलोरी इनटेक ऑलरेडी कम होती जा रही है, ठीक है। आप अगर चाय ले रहे हैं, ठीक है, चाय में आपने क्या किया, दो की जगह आप एक जो है वो चाय का चम्मच डाल दें चीनी और सिंपल, वो भी आपने वहाँ से क्या कर ली, अपनी कैलोरीज कम कर ली, 50 कर ली। तो जहाँ पे आप आफ्ताब पहले आप सहरी में ले रहे थे 1000 किलो कैलोरीज, आपने ऑटोमेटिकली कम करके 350-400 कर दी। इतना मुश्किल तो नहीं है कुछ करना, बस बैलेंस रखना होता है, बैलेंस रखना होता है। हाँ, आपने वैरायटी अपनी डाइट में खाना आपने उतना ही है, लेकिन राइट चॉइस जो है चॉइस आपने ठीक करनी। इसी तरह हम जाते हैं अगर अफ्तार पे, ठीक है, अफ्तार पे हम चले जाते हैं तो आपने वही 2-3 खजूरें खा ली, ठीक है, पकौड़े अगर आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है तो आपने 1 या 2 पकौड़े खाने हैं जिससे आपको हार्डली 75-80 किलो कैलोरीज मिलेंगी टोटल। एक स्मॉल साइज में आप समोसा ले सकते हैं, उससे भी आपको 75 किलो कैलोरीज, वो बड़े समोसे जहाँ से आपको 250 मिल रही है तो आपने अपना मतलब एक काइंड आपने जायका ही लाना है ना मुंह में, वहाँ पे आपको मिलगी 70 से तकरीबन 80 किलो कैलोरीज। जहाँ पे आप इतना बाउल खा रहे हैं आप इतना बाउल कर लें जिसमें से आपको मिल जाएगी 200 की जगह आपको मिल जाएगी 80। इसी तरह आप फ्रूट खा रहे हैं तो उसमें चीनी और ऊपर से क्रीम ऐड ना करें, ठीक है, उससे भी आपका जो है वो बैलेंस हो जाएगा। जहाँ पे आपका इफ्तार तक हो रहा था 2000 प्लस किलो कैलोरीज, यहाँ पे आपने कर ली टोटल 800, ठीक है। खाने में आप नान की जगह घर की जो है वो होल ग्रेन रोटी आप मशरूबात जो है उनको कैसा होना चाहिए। हाँ, मशरूबात आप ऐसा कर सकते हैं जैसे कि अभी हमारे किचन में बन रहा है मिंट मार्गरीटा, बहुत अच्छा आपके जो है वो आपके दस्तरखान पे आपको इससे फायदे भी बहुत ज्यादा है, आपके स्टमक को भी ठीक करता है। इसके अलावा आप एक और शरबत बना सकते हैं, इमली और आलू बुखारे का आप शरबत बना सकते हैं, ठीक है, रेड शरबत को आप इससे जो है वो आप सुन लें, अगला शरबत आप इस तरफ होना चाहिए, इमली और आलू बुखारे का। हाँ, वो बहुत ठंडा होता है। हाँ, वो एक और शरबत आता है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं वाटरमेलन का, बच्चे इसको इतना पसंद नहीं करते लेकिन वो लोग जिन्होंने वजन कम करना है, ये आज के दिन की टिप भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप बना सकते हैं। आपने क्या करना है, जैसे आपके पास एक जूसर होगा उसमें आपने वाटरमेलन ऐड करना है बीज निकाल के, ठीक है, उसमें आपने आइस ऐड करनी है, उसमें आपने थोड़ा सा काला नमक ऐड करना है या पिंक सॉल्ट ऐड करना है और आपने एक ज़बरदस्त सा अपने लिए जूस बना लेना है। वेट लॉस में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो अच्छा, ये इसमें आपने चीनी तो शेहान से मैं ये पूछना चाहूंगा कि हम लोग जब जिम वर्कआउट वगैरह करते हैं तो उसके साथ हम लोग अक्सर इसी तरीके से स्मूथीज होती हैं, वो स्मूथीज भी होती हैं और फिर लोग जाते हैं प्रोटीन्स की तरफ भी, तो ये नेचुरल प्रोटीन ये ज्यादा ठीक नहीं है। एक तो जिस तरीके से बता रही हैं कि वेट लॉस में भी मदद करते हैं, तो आप ऑलरेडी जो है वहाँ पर कैलोरीज बर्न कर रहे हैं और साथ साथ ये भी इंटेक करेंगे। नजम देखिए, ये तो आप जो है ना, आप तो इंटरनेट का दौर है, हर बंदे के एसेस में है, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं कि नेचुरली किन चीज़ों के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और आपकी बॉडी के लिए क्या क्या फ़ायदेमंद है। अब ये हम कर क्या रहे हैं कि हम थोड़ी सी एफर्ट करने के लिए, जैसे अब हिना ये एफर्ट कर रही हैं, बना रही हैं, उसके अंदर टाइम लग रहा है, तो हमारे पास सच्ची बात ये है कि हम जो है अपने से दूर भागते हैं, हमारे पास टाइम नहीं। हम कहते हैं कि आर्टिफिशियल चीज़ हमें मिल जाए, हम प्रोटीन ये नहीं देखेंगे कौन से फ्रूट के अंदर है, कौन से वेजिटेबल के अंदर है, हम ये जाएंगे कि अच्छा ये प्रोटीन है, अच्छा ये फलाने ब्रांड का है, इसको हम लेते हैं, हमें नहीं पता है, क्या पता उसके अंदर कोई केमिकल है, वो हमें रिएक्ट कर जाए हमारी बॉडी के ऊपर, हमें सूट करता है नहीं करता है, लेकिन हम जाएंगे आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ। मुझे बहुत सारी कॉल्स आती हैं खुसूसन फीमेल्स की कि जो कहते हैं कि जी हमें कोई ऐसी मेडिसिन बता दें, ऐसी कोई चीज़ बता दें कि हमारा 15 दिन में या 20 दिन में वज़न कम हो जाए। अच्छा, जो
मैं किसी को बुरा भी नहीं कहूँगा, वैसे तो ये चीज़ें आपको यूज़ करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन कुछ जो अच्छे ब्रांड हैं अगर आप करते भी हैं तो वो जो है फ़ायदा मंद आपके किस तरह से होती हैं, उन्होंने भी किसी नेचुरल चीज़ में से निकाल के वही फार्मूला यूज़ करके तो आपके ऊपर वो अप्लाई करवाते हैं। तो क्यों नहीं आप वेजिटेबल का इस्तेमाल कीजिए, आप फ्रूट्स का इस्तेमाल कीजिए। रिसर्च करने की ज़रूरत है, खुद अवेयरनेस की ज़रूरत है बिल्कुल। और इसी के लिए आप दोनों शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कश्यप, बहुत शुक्रिया शिहान। वापस हम लोग जी चलते हैं किचन की तरफ और किचन में जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं अरीज क्या कर रही हैं शेफ हिना के साथ। यहाँ पर हमारी सॉस भी बन चुकी है, हमारी डिश भी बन चुकी है और अब हम स्टार्ट करने लगे हैं मिंट मार्गरेटा। और अभी हम इसके इंग्रेडिएंट्स पहले जान लेते हैं क्या क्या हैं। इसके लिए मैंने फ्रेश मिंट लीव्स लिए हैं और ये है थोड़ा लेमन जूस, थोड़ा फ्लेवर अच्छा हो जाएगा। क्या कमाल की चीज आपने बनाई है ना। और थोड़ी सी साथ में चीनी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग जितनी आपको जरूरत है। और पहले हम थोड़े सा इसमें से क्रश आइस ऐड करके, पहले हम थोड़ी सी इसके अंदर ये सोडा ऐड करके मिंट को और साथ में जो हमने शुगर ऐड की थी वो और लेमन इसको हम मिक्स कर लेते हैं ताकि ये सारा ब्लेंड हो जाए। उसके बाद हम मजीद इसके अंदर ये ड्रिंक ऐड कर लेंगे। अच्छा क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए मिंट की? हाँ मिंट की क्वांटिटी किस हिसाब से होनी चाहिए? क्वांटिटी ये कि एक ग्लास अगर आपका आप बना रहे ना तो आपने इसमें से दो से तीन पत्ते डालने हैं, ज्यादा ही डालने, ठीक है? हाँ। वरना ज्यादा डालेंगे ना तो कड़वाहट आ जाएगी, टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। बहुत कमाल की खुशबू आ रही है। हस्बे तौफीक, हस्बे जायका, हस्बे जायका। यहाँ पे तौफीक ये भी होता है ना कि आप घर में लाकर एक बोतल रखे ना जब फ्रिज के अंदर और आपके घर में दो तीन बच्चे हो, नहीं जी तो बस बोतल खुलती है मुझसे और फिर बाद में इतनी ही बचती है। नहीं जी, वो फिर हस्बे तौफीक बन जाती है। वो ऐसा होता है कि हमारे घर डेली आती है और मेरी जो छोटी वाली बेटी है ना फराल, वो इसको लेके ना कहे पानी पी रही हूँ मैं। फिर अगर कुछ दिन पहले ऐसे वो इसने खोली तो इसमें से जो ठिस की आवाज आती है ना, तो मेरी अम्मी ने कहा कि तुमने ना ये खोला है सोडा, कहती है मैं समझी पानी है, इसकी आवाज आ गई है ऐसे। ओ बच्चे बहुत तेज हैं जी, बच्चों को सब पता है आजकल। हाँ जी हटा लो। अब इसको रखें कहाँ? इसके ऊपर थोड़ा सा इसको ऐड करते हैं। आई थिंक इसको मुझे ना साइड पे करना चाहिए। यही खूबसूरती है, यही असल में तो यही खूबसूरती है इसकी। वाह, ये जरा ज़ूम करके जैसे कॉफी कैपेचिनो के ऊपर आती है ना क्रीम और उसी की ब्यूटी होती है, बस इसमें भी इसी की ब्यूटी है। चलें अब आप अफ्तारी का इंतजार करें। तो इसको नहीं, इसको वो इसके साथ यूं रखें जरा आप अपने हिसाब से। और इसको हम के भी तो दिल ललचाए ना हमें, जिसे हमारा ललचा रहा है देख देख के। हाँ, इससे आपकी प्यास और बढ़ गई ना। बस इफ्तार में बताया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आखिरी 12 से 13 मिनट रह गए हैं, तो हम लोगों ने इजाजत। अब आप इसके साथ, ये चूंकि स्पाइसी है और ये इसके अंदर आपको लेमन और मिंट का फ्लेवर आएगा, तो आई होप कि ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही अच्छा लगेगा ये कॉम्बिनेशन और बहुत ही खूबसूरत यहां पर भी लगेगा। जा जा के इतनी मेहनत करते हैं तो इससे अच्छा है कि आप घर में कितनी इजीली है, बहुत आसानी बन सकता है, कितना सस्ता। हां, आप सॉस का भी थोड़ा बहुत बता दें, क्योंकि उस वक्त हम लोग वहां पर महसूस थे कि सॉस किन चीजों से बनी है। अच्छा, सॉस मैंने इस तरह से बनाई है कि फ्राई पैन में आपने 2-3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करना है, उसके अंदर आपने करने हैं 2-3 क्लोव्स गार्लिक के चॉप करके, पेस्ट नहीं करना, चॉप करना है। जब वो हल्के से ब्राउन होंगे तो आपने उसके अंदर 3-4 स्ट्रिंग्स बस जिंजर के ऐड करें, क्योंकि जिंजर से इसका फ्लेवर ज़रा अच्छा आ जाएगा। जैसे ही वो हल्का सा ब्राउन होगा थोड़ी सी 1 चम्मच के करीब पीनट्स ऐड करेंगे। पीनट्स को सिर्फ फ्यू सेकेंड्स के लिए आपने सौते करना है, साथ उसमें आपने ऐड कर देनी है हॉट सॉस, टोमेटो केचप, हल्की सी सोया सॉस, विनीगर अगर आपको पसंद है मजीद फ्लेवर डालने के तो वो आप ऐड कर दें। उसके अलावा अगर आपके पास पेरी पेरी सॉस मौजूद है तो आपने ऐड करनी, अदरवाइज बेशक आप उसको छोड़ दें, स्किप भी कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं बिल्कुल। उसके बाद आपने उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, तकरीबन 2-3 सिप के करीब, ताकि वो जितनी सॉसेज हैं वो सब अपना फ्लेवर इकट्ठा कर लें। बहुत ही। और उसको थोड़ा सा पकने दें, थोड़ा सा सेसम सीड उसके अंदर ऐड करें, और फिर जो हमने चिकन फ्राई किया था अगर आपको एक्स्ट्रा कोटिंग चाहिए तो आप उसको डबल कोट करेंगे फाइन फ्लावर में, अगर आपको ज़्यादा कोटिंग नहीं चाहिए तो आप सिंगल कोट करके ही उसको टॉस करके फ्राई कर लेंगे। जब वो ब्राउन हो जाएगा तो फिर आपने उसके अंदर सॉस के अंदर उसको ऐड करना है, 2-3 मिनट के उसको टॉस करना है ताकि फ्लेवर सारा अच्छे से मिक्स हो जाए और इस तरह आप सर्व कर दें। अब चाहें तो आप इसको वाइट राइस के साथ, गार्लिक फ्राइड राइस के साथ इंजॉय कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो एज इट इज खा लें। डाइट का ख्याल है तो आप ऐसे ही खा लें। और ये आपके सामने मौजूद है, क्या कहेंगे, कोरियन कोरियन स्टाइल चिकन शॉट्स विद मिंट मार्गरेटा।
बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच मैम और उम्मीद करते हैं कि कल जिस तरीके से हमारी पूरी टीम को पसंद आया था हमें भी पसंद आएगा आज ये खा के और इसके साथ साथ अपने अपने घरों में भी बनाएं और फीडबैक जरूर दें नन्हे मुन्ने बच्चे भी हमारे इंतजार कर रहे हैं तो उनकी तरफ भी बढ़ना है कहीं मत जाइएगा हमारे साथ रहें ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद मैं हूं अरीश मुहद्दिन मेरे साथ मौजूद है नजम साकिब जी एक बार फिर से हम लोग वक्फे से वापस आ गए हैं और हमारे साथ जमीन के फरिश्ते नन्हे मुन्ने बच्चे मौजूद हैं बच्चे कैसे हैं आप लोग सब ठीक हैं ठीक है शाबाश बहुत अच्छे जैसे तो कि हमने कल एक स्टोरी सुनी थी तो आप लोगों को याद है हमने कल क्या स्टोरी सुनी थी रजा से पूछते हैं क्या हमने सुना था कल हजरत आदम और शैतान का शैतान वाली हां बिल्कुल तो आज मैं आप लोगों को जो स्टोरी सुनाने लगा हूँ आज जिस तरीके से हम लोग वहाँ पर थे अपने उलमा हजरात के साथ और हम लोग उनसे भी डिस्कस कर रहे थे आज कौन सा रोज़ा है सत्रहवां रोज़ा और सत्रहवें रोज़े वाले दिन जंगे बदर हुई थी आपको पता है ना लड़ाई को कहते हैं हम लोग जंग ठीक है तो गज़वा बदर हुई थी आज के दिन और गज़वा बदर 2 हिजरी 17 रमज़ान मुबारक को हुई थी बदर के मकाम पर बदर एक जगह का नाम है मदीने के करीब सऊदी अरब में सारे बच्चे सुन रहे हैं ना बात ठीक है सऊदी अरब के मदीना के करीब एक जगह का नाम है बदर जहां पर ये लड़ाई हुई जिसको जंगे बदर कहा जाता है ये लड़ाई हुई किन लोगों के दरमियान हमारे प्रॉफिट जो हैं उनका क्या नाम है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबाश उनके जो दोस्त थे जिनको हम लोग सहाबा कहते हैं उनके दोस्त और जो उनके अगेंस्ट लोग थे जो उनकी बात नहीं मानते थे हज़रत मुहम्मद सल्लम कहते थे कि अल्लाह को एक मानो तो जो लोग अल्लाह को नहीं मानते थे जो लोग मक्का के अंदर रहते थे उस वक्त उन लोगों के साथ लड़ाई हुई जिसको जंगे बदर कहा जाता है और इसमें अच्छी बात क्या है अच्छी बात यह है कि अल्लाह के रसूल और अल्लाह के ज़की आप बात सुन रहे हैं अल्लाह के रसूल और अल्लाह के रसूल के जो दोस्त थे वो सिर्फ और सिर्फ थे 313 कितने थे 313 जबकि दूसरी तरफ जो लोग थे उनके पास लोग थे 1000 बंदा 1000 तो ज्यादा कौन से लोग हुए कफार ऑपोजिट साइड वाले कौन से हुए ऑपोजिट साइड वाले तो जब जंग हुई अब अच्छे लोग थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमारे प्यारे नबी का नाम आता है तो सबको कहना चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबाश तो हजरत मोहम्मद के साथ जो लोग थे वो अल्लाह को मानते थे यमुना बात सुने वो अल्लाह को मानते थे वो नमाजें पढ़ते थे रोजे रखते थे तो अल्लाह ताला उनके साथ था हालांकि वो लोग बहुत कम थे और जब क्या होता है कि कम लोगों की ज्यादा लोगों से जब लड़ाई होती है तो कौन जीतते ज्यादा लोग कौन जीतते ज्यादा लोग लेकिन यहाँ पर चूंकि अल्लाह की इबादत करते थे कम लोग जो 313 थे तो जब जंग हुई तो दूसरी तरफ जो 1000 लोग थे वो लोग हार गए जंग क्यों हार गए वो अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते थे और गरचा ये लोग कम थे 313 थे लेकिन इनकी इबादत के लिए अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेजे कौन भेजे फरिश्ते और फरिश्ते तो ज्यादा ताकतवर होते हैं ना ठीक है तो फरिश्ते अल्लाह ने भेजे जिन्होंने मदद की और फिर इस तरीके से इस्लाम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जंग जीत गए तो इससे हमें सबक क्या मिलता है मोहित हमें सबक इससे अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए तो अल्लाह ताला हमारी क्या करेंगे हेल्प करेंगे और फिर क्या होगा कि कोई भी मुश्किल आएगी तो हम लोग उसको हल कर लेंगे कोई भी मुश्किल आएगी तो क्या कर लेंगे हम लोग हल
जब आप लोग एग्जाम में जाते हैं ना, ठीक है, आप लोग एग्जाम देते हैं ना एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए, तो उस वक्त बड़ी मुश्किल होती है। हमने सारे साल का पढ़ना होता है और फिर एग्जाम में बैठना होता है, तो फिर हम लोगों को क्या करना चाहिए? अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए, हेल्प मांगनी चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। और जब हम लोग दुआ करेंगे तो फिर अल्लाह ताला हमारी क्या करेंगे? हेल्प। और अल्लाह ताला उन्हीं की हेल्प करते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं। तो हमने आज क्या सीखा? रजा बताएंगे, अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए और ताकि वो हमारी हेल्प करें, और फिर बुरे कामों से बचना चाहिए, और फिर हमारा काम हल हो जाएगा, और फिर हमारा काम हल हो जाएगा। तो आज से आप सब ये वादा करते हैं कि कोई भी मुश्किल आएगी तो हम लोग क्या करेंगे? अल्लाह ताला से हेल्प मांगेंगे, अल्लाह ताला से दुआ करेंगे और हेल्प मांगेंगे। शाबाश। इसी तरीके से जी आपने भी अपने बच्चों को छोटी छोटी स्टोरी सुना के उनको तलकीन करनी है, और यही एक तरबियत का ज़रिया भी होता है जो हमारे घर के अंदर माहौल इस वक्त मांद पड़ चुका है उसको दोबारा से उजागर करने की ज़रूरत है। मुझे अरीज को और हमारी इस पूरी और लाइफ की ट्रांसमिशन की टीम को दीजिए इजाज़त। आप लोगों से मुलाकात होगी कल। 17वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ने कृपा।